8 और 9 जनवरी 2023 को इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में सुफलाम पृथ्वी तत्व पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह सम्मेलन पंच महाभूतों को शुद्ध और सजीव करने की कड़ी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा कॉन्फ्रेंस था। इसमें भारत सरकार के कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री सहित भारत भर के अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक सहित जो है विशेषज्ञ किसान भी इसमें आए थे। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मैंने पृथ्वी तत्वों को कैसे शुद्ध और सजीव करना इसके लिए तकनीकी वहाँ पर अपनी बात रखी, तकनीकी मार्गदर्शन किया। इस सम्मेलन में जो विद्वान आए थे इन सब में सबको मैंने, जैसे भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं इनको मैंने पंच महाभूतों पर आधारित अपनी जो पुस्तक है वह इनको भेंट की, और कृषि पंचांग जो मासिक कृषि पंचांग है वह भेंट किया माननीय भैया जी जोशी, संत ज्ञानेश्वर जी गुजरात से, और कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों को मैंने कृषि पंचांग भेंट किया। वाइस चांसलर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इनको सब जो है पंच महाभूत आधारित कृषि ताराचंद बेलजी तकनीकी पर आधारित जो है कृषि में कृषि पुस्तिका इन्हें हमने भेंट किया है, और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने और कृषि विशेषज्ञों ने पंच महाभूत आधारित कृषि के अपने प्रेजेंटेशन को देख करके उनको बहुत आनंद आया। उनको लगा कि वास्तव में जो है विज्ञान आधारित प्राचीन ज्ञान के आधारित काम जो है ताराचंद बेलजी तकनीक में हुआ है। तो ये प्रेजेंटेशन मैं आपको जो मैंने वहाँ रखा है, क्योंकि वहाँ समय उतना था नहीं और कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि आपको मैं सीधे वहाँ का प्रेजेंटेशन बता सकूँ, इसलिए मैं अपने YouTube चैनल पर इस उस प्रेजेंटेशन जो मैंने वहाँ विषय रखा था उसको एज इट इज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ताराचंद बेलजी जो तकनीक है वो मैंने 2010 में जब प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाया था उसी समय पर हमने संस्था बनाते समय घोषणा की थी कि हम प्राकृतिक खेती जो है पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव और शक्तिशाली करने के लिए कर रहे हैं, और पंच महाभूतों को शुद्ध सजीव शक्तिशाली करके ही हम प्राकृतिक खेती करेंगे इस पर शोध करेंगे और यह सिखाएंगे। यह घोषणा हमने उसी समय किया था। हमारे जो है प्राकृतिक खेती का आधार जो पंच महाभूत है, प्रकृति पंच भूतानी, ऐसा करके हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इसकी स्पष्ट व्याख्या की है कि ये प्रकृति पंच महाभूतों से बनी है। क्या कहा भगवान कृष्ण ने गीता में भी स्पष्ट कहा, भूमि रापो नलो वायु कम और मनोबुद्धि रेवचा अहंकारा, अर्थात भूमि गगन वायु अग्नि नीर मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजों से प्रकृति स्थित हुई है, स्पष्ट भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। उसमें से भूमि गगन वायु अग्नि और नीर इनको अपरा ऊर्जा कहा। भूमि का भा, गगन का गा, वायु का वा, अग्नि का आ, नीर का ना, ये जो भगवान ये अपरा ऊर्जा है मतलब अपरिवर्तित, ये ऊर्जा प्रकृति में तय है। कितनी तय है प्रकृति में ऊर्जा तय है कि भूमि तत्व 1% है, गगन तत्व 8% है, वायु तत्व 21% है हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता रहा हूं। अग्नि तत्व सब में है इसलिए क्यूएस सब में है वो, इसलिए उसको तुलना में हम नहीं कह सकते, और नीर तत्व जो है वो है 70%। ये जो है ये जो मात्रा है ये तय है प्रकृति में, पृथ्वी में ये मात्रा तय है, और पृथ्वी के अंदर जो भी जीव आएगा उनके अंदर भी यही रहेगा। जैसे धरती में 70% जल है तो हमारे शरीर में भी 70% जल है। पृथ्वी में जो भूमि है वो 1% है, और ये किसने कहा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है।
कि यास्मिन भूमियाम जीवा नास्ति सा भूमि एव नास्ति, जिस भूमि में जीवाणु नहीं है वह भूमि नहीं है। और भूमि कितनी है, धरती के ऊपर का 6 इंच का भाग, ये है भूमि जहां पर मनुष्य खेती करता है, यह है भूमि। इस भूमि में जो है ये 6 प्रति ऊपर के 6 इंच का जो भाग है वो भूमि है, उसके नीचे का जो भाग है वो मिट्टी है, इसके नीचे जो भी है वो क्या है, वो मिट्टी है, यहां जो भी पड़ा है ये मिट्टी है, ठीक है, और जो भी यहां पड़ा रहता है अंदर तक ये लाल है, ये मिट्टी है। ऊपर के 6 इंच जहां जीवाणु हैं वह जो है भूमि का, तो 1% भाग जो है भूमि पर तत्व है जो जीवित है, और हमारे शरीर में 1% भाग यानी हमारे शरीर की हड्डियां, एक मनुष्य मरता है तो उसके उसको जलाने पर 1% भाग बचता है, जो वो जो 1% हड्डियां बचती है वही भूमि तत्व है। गगन तत्व जहां से खून आता जाता है, सिराए ये खाली है, अगर यहाँ हवा घुस गया तो वात हो जाएगा, पानी घुस गया तो समस्या खड़ी हो, निर्वात है, वहां केवल 3 ऊर्जा है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा, ये 3 ऊर्जाओं से जो रचना होती है वह है गगन तत्व, ये 8% है गगन तत्व। ऐसे वायु प्रति जो है 21%, इसलिए हम उसको हर क्षण जो है 1 मिनट में जो है 10-12 बार श्वास लेके उसको जो है हम ग्रहण करते हैं। अग्नि तत्व हमारे शरीर में स्थिर रहना चाहिए, 32 जो है अंश डिग्री टेम्परेचर, ये हमारे शरीर का औसत टेम्परेचर हमारे हृदय का इतना ही रहना चाहिए, ज्यादा हो गया तो पित्त बढ़ गया, कम हो गया तो कफ हो जाएगा। ऐसी नीर तत्व ये 70% होना चाहिए, ठीक है, ये जैसी जैसी घटेगा वैसे वैसे हम पानी पीते हैं, ठीक है, मान लो 1 लीटर हमारे हमारे शरीर में मान लो 250 ml पानी घट गया तो हम 250 ml पानी, 1 ग्लास पानी पीते हैं। तो इस तरह से जो है पंच महाभूत ये अपरा है, ये घट नहीं सकता, अगर घट गया तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, ये जो भगवान है इसकी मात्रा अगर कम हो गई तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, और बहुत कम हो गई तो हम मर जाएंगे, किसी भी एक तत्व के कम होने से हमारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए इसको का अपरा ऊर्जा। और इसी ऊर्जा पर आधारित ताराचंद बेलजी तकनीक की जो है कृषि है और जीवन शैली है, इसको पंच महाभूत दर्शन मैं कहता हूं, TCBT का पंच महाभूत दर्शन। ताराचंद बेलजी कृषि की सारी पद्धति, हमारी जो कृषि है कृषि की सारी पद्धति पंच महाभूत दर्शन आधारित है, और जीवन शैली की सारी पद्धति भी पंच महाभूत दर्शन आधारित है। हमें पंच महाभूतों को शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली करना है। पंच महाभूत शुद्ध होंगे तो ऑटोमेटिक हम शुद्ध हो जाएंगे, पंच महाभूत शुद्ध सजीव रहेंगे तो खेती बहुत अच्छी होगी, और उससे जो हम अन्न खाएंगे तो हमारा शरीर अच्छा होगा। इसलिए पंच महाभूत आधारित कृषि करेंगे तो उससे जो अन्न निकलता है उसको मैं पंच तत्व फूड कहता हूं, और ऐसा फूड अगर कोई खाता है तो ये पक्का मानिए कि वो ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा, स्वतः उसका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि पंच महाभूत की एक विशेषता है ये स्वयं पोषी, स्वयं विकासी और स्वयं पूर्ण व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था जो है प्राकृतिक जो व्यवस्था है वो खड़ी हो गई, पंच महाभूत शुद्ध सजीव और शक्तिशाली हो जाएंगे तो प्राकृतिक जो व्यवस्था है स्वयं पोषी, अपने उनका पोषण व्यवस्था स्वयं की है, स्वयं विकासी और स्वयं पूर्ण व्यवस्था है, ठीक है। तो ये व्यवस्था के आधार पर अगर हम खेती करेंगे तो खेती अपने आप ठीक हो जाएगी, जो मैं बोलता हूं बोना और घर जाके सोना, ये व्यवस्था हो जाएगा, कुछ काम नहीं करना, खेती ये पंच महाभूत ये खेती करेंगे, पंच महाभूत खेती करेंगे, किसान को केवल समय से बीज बोना है, और जीवाणु उनकी खेती को बढ़ाएंगे, फलाएंगे फुलाएंगे और जो है फल को पकाएंगे भी, जीवाणु ही फलों को पकाते हैं। तो इस तरह से पंच महाभूत कृषि हम करेंगे। आइए ये पंच महाभूत कृषि से प्रकृति कैसे बनी इस पर हम थोड़ा समझते हैं। ये मैंने बताया कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये अपरा ऊर्जा, ये मैंने आपको अभी बताया, यानी ये ऊर्जा हमको अपरिवर्तित है, इसको परिवर्तित नहीं होने देना, इसलिए इसको जो है हमेशा लगातार इस पे हमको काम करना पड़ेगा। और जो मन बुद्धि अहंकार है ये परिवर्तित है,
परिवर्तित मतलब आप अगर किसी की बुद्धि आपको जो है उसको सत्य समझ में आ गया तो मन उसका अपने आप जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि में यदि चोरी और घृणा और इस तरह की चीजें आ गई तो उसका बुद्धि अगर ऐसा हो गया तो मन भी उस तरह चला जाएगा। तो ये परिवर्तित ऊर्जा अहंकार यानी बीज डीएनए, इसको बहुत से ग्रंथों ने अहंकार लिख दिया। अहंकार से तो विनाश होता है ना, प्रकृति की रचना कैसे होगी। ये ऐसा था अहंकार, दरअसल ये ऐसा लिखा है अह और यहां ऐसा करके ऐसा, ठीक है, इस तरह से लिखना चाहिए। ऐसे लिखते लिखते वो अहंकार हो गया है। अब बहुत से जो है ग्रंथों में अब ऐसे ही लिखाने लगा है और बहुत से व्याख्याकारों ने भी लिख दिया कि भूमि गगन वायु अग्नि नीर मन बुद्धि और अहंकार से प्रकृति की रचना। अहंकार नहीं, अहंकार, स्वयं का आकार। भगवान कहते हैं मेरा एक आकार है, मेरा एक डीएनए, उससे तुम बने हो, यानी परमात्मा से आत्मा, यानी जैसे परमात्मा है हम उनकी आत्मा, यानी हम भी वैसे ही हैं, उनके ही डीएनए हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें, तो ये पंच महाभूत जो अपरा ऊर्जा है ये कैसे, ये भूमि की ऊर्जा अगर सूक्ष्म होगी तो वो स्वरूप कहलाएगी, जिसको हम संक्षिप्त में रूप कहते हैं। ठीक है, तो भूमि के अंदर से जो रूप है वो जो है हमको कैसे मिल सकती है, ये मैं एक जरा आपको दिखाता हूं। ये इससे देखिए कि भूमि के अंदर जो रूप है ये मिट्टी से निकलेगी, भूमि के अंदर जो ऊर्जा का जो स्वरूप है, यानी ऊर्जा का स्वरूप कहलाएगा रूप। मिट्टी से निकालोगे तो ऊर्जा का जो स्वरूप है वो कहलाएगा रूप, यानी जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब ऊर्जा के स्वरूप हैं, जिसको खनिज तत्व, आधुनिक विज्ञान इनको खनिज तत्व या परमाणु तत्व कहता है। ठीक है, खनिज तत्व, मिनरल्स भी कहता है, ये जो है ऊर्जा के रूप है। भूमि का निकला हुआ मिट्टी का जो ऊर्जा का स्वरूप है वो है रूप। ये देखो इसमें लिखा है ना रूप। फिर गगन से निकालेंगे भूमि तत्व, गगन के अंदर से निकालेंगे भूमि तत्व तो वो कहलाएगा रंग, और वायु के अंदर से निकालेंगे भूमि तत्व तो वो कहलाएगा गंध, अग्नि के अंदर से निकालेंगे भूमि तत्व तो वो कहलाएगा स्वर, और नीर के अंदर से निकालेंगे भूमि तत्व तो वो कहलाएगा स्पर्श। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो भूमि तत्व। आप देखिए ये जो भूमि तत्व है इसके ये पांच जगह से इसको प्राप्त कर सकते हो। जमीन से निकालोगे तो रूप, गगन से निकालोगे तो रंग, वायु से निकालोगे तो गंध, और अग्नि से निकालोगे तो स्वर, और नीर से निकालोगे तो स्पर्श। कहीं से भी निकाल सकते हो, ये पांच तरीके में से कोई भी तरीके से आप भूमि तत्व प्राप्त कर सकते हो, जिसे आधुनिक विज्ञान परमाणु तत्व, मिनरल्स या खनिज तत्व कहता था, प्राचीन विज्ञान इसको माता तत्व कहता है। ठीक है, क्योंकि गर्भ में माता पोषण देके बढ़ाती है ना उसको, सभी तरह के प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट माता ऊर्जा के माध्यम से देती है। जैसे माता के गर्भ में, गर्भ के जो नाभि होता है, माता की नाभि से बच्चे की नाभि तक एक नाल जाता है, उसमें दाल, चावल और पानी नहीं जाता, दूध नहीं जाता। माता दूध पिएगी तो बच्चे को दूध नहीं जाएगा, वो दूध और दाल, चावल, पानी ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और वो ऊर्जा पांच तरह की होती है, रूप, रंग, गंध, स्वर, स्पर्श। इसलिए माता जो है जब गर्भ में होती तो अच्छे स्वर उसको सुनना चाहिए, अच्छे सुगंध के वातावरण में रहना चाहिए, अच्छे रंगों के संपर्क में रहना चाहिए। ठीक है, और अच्छे रूप यानी अच्छा भोजन करना चाहिए। भूमि तत्व तो भोजन से प्राप्त होता है, यानी भूमि मिट्टी के अंदर निकला हुआ, मिट्टी के अंदर की ऊर्जा भोजन के द्वारा प्राप्त होती है, अच्छा भोजन करना चाहिए और उसका स्पर्श भी अच्छा होना चाहिए। इसलिए उस समय पे विभिन्न तरह के व्रत अनुष्ठान की बात कही गई है। तो ये जो है पंच महाभूत में भूमि तत्व की मैंने आपको व्याख्या की, और अब मैं वापस जो है वापस आता हूं कि भाई ये जो भूमि तत्व है ये पांच तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। गगन तत्व जो है ये क्या है, ये रिक्तता है। गगन तत्व क्या है, रिक्तता है।
गगन तत्व क्या है? रिक्तता है। तो ये जो है रिक्तता यानी पूरी तरह से खाली शून्य, इसके अंदर केवल तीन ही ऊर्जा होंगी। ठीक है, कौन कौन सी ऊर्जा होंगी? शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा। ये तीन ही ऊर्जा, कद्दू के अंदर ये तीन ही चीज होती है ना, इसलिए उसमें से एक विशेष आवाज निकलती है। तो ये तीन ही ऊर्जा जो है कद्दू के अंदर होती है, जो गगन तत्व ब्रह्मांड का निर्माण करता है ना। सबसे पहले प्रकृति जब बनी तो सबसे पहले गगन की उत्पत्ति हुई और स्वयंभू हुई, स्वयं से हुई। फिर उसके बाद जो है वायु तत्व, इसकी जो ऊर्जा है ये प्रवाह में होता है। आपने देखा होगा जब बहुत अच्छी हवा चलती है तो हमारी भूख खत्म हो जाती है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। वैसे अग्नि तत्व जो है ये स्वर में है। आपने देखा होगा जब नगाड़े बजते हैं, नगाड़े बजते हैं ना, तो हमारे शरीर की तापमान बढ़ने लगता है, है ना। नगाड़े बजते हैं तो हाथी चिंगाड़ने लगते हैं, घोड़े की जो है स्पीड बढ़ जाया करती थी, तलवार ज्यादा जो है चलने लगते थे, अग्नि मतलब नगाड़े और वैसे युद्ध के यंत्र बजने से। फिर अग्नि तत्व के घटना घटाने का भी है। भारत का जो है 50, 60 और 70, 80 तक के दशक में कई ऐसे फिल्मी गाने हैं जिनको सुनने से मन शांत हो जाता है, अग्नि तत्व कम हो गया। कुछ ऐसे गाने जिनको सुनने से मन में वेग आ जाता है, अग्नि तत्व बढ़ गया। तो स्वर में है अग्नि तत्व, ठीक है। और फिर जो है मतलब अग्नि तत्व संगीत में है, और किस में है? गीतों में है। कई ऐसे गीत सुनने से अग्नि तत्व बढ़ता घटता है ना। और फिर जो है नीर, इस जो है नीर, इसका जो है ये है जैसे कैपिलरी एक्शन की बात की गई ना, किसमें? अंग्रेजी में एक जो है पौधों के लिए कहते हैं कैपिलरी एक्शन, पानी का ऊपर जाना फिर उसका नीचे आना, ठीक है। तो ये स्पर्श जो माइकोराइजा है वो जमीन के अंदर से छोटा सा एक पानी का बूंद उठाता है, ऊपर जाता है, वो पानी का बूंद ऊर्जा में बदलने के कारण बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब भी वो ये जो है स्वतः नैनो टेक्नोलॉजी हो जाता है, यानी रूप से ज्यादा जो है सूक्ष्म है गद्य की, फिर उससे सूक्ष्म है स्वर की, उससे सूक्ष्म है रंग की, और उससे सूक्ष्म है स्पर्श की। ये नैनो टेक्नोलॉजी है प्रकृति की, खुद ब खुद की नैनो। और इसीलिए प्रकृति में जो जीव हैं वो यम नियम आहार विहार प्रत्याहार का पालन करके और ऑटोमेटिक स्वतः प्रक्रिया से, कौन सी प्रक्रिया? स्वतः प्रक्रिया से, और यम प्रक्रिया से भूमि तत्व, और नियम प्रक्रिया से गगन तत्व, आहार प्रक्रिया से वायु तत्व, और विहार प्रक्रिया से अग्नि तत्व, और प्रत्याहार प्रक्रिया से नीर तत्व प्राप्त कर लेते हैं स्वतः प्रक्रिया से। ये प्राकृतिक प्रक्रिया है ये। और हम जो प्राकृतिक करते हैं वो प्राकृतिक खेती भी इसी प्रक्रिया से करवाना चाहता हूं मैं, ये यम नियम आहार विहार प्रत्याहार, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर जीव कहते हैं, मतलब हाथी घोड़े चींटी और जितने सूक्ष्म जीव हैं वो इस प्रक्रिया। यम मतलब क्या खाना, हर जीव का तय है क्या खाना। केचवे का यम है मिट्टी खाना, हिरण का यम है हरा घास खाना, शेर का यम है मांस खाना, ठीक है। तो मिट्टी केचुआ खाता रहे, केचुआ जो है मिट्टी खाता रहेगा तो केचुआ हमेशा स्वस्थ रहेगा, प्रजनन अच्छा करेगा, पूरा जीवन जिएगा। हिरण घास खाएगी पूरा जीवन जिएगी, शेर मांस खाएगा पूरा जीवन जिएगा, ठीक है। बहुत से फलाहार जीव है वो फल खा के पूरा जीवन जीते हैं, ठीक है। दीमक जो है सूखी लकड़ी, दीमक का क्या है? लकड़ी खाती है, ठीक है, पत्ते खाती है। तो सबका यम तय है मतलब क्या खाना, और नियम का मतलब क्या है? कैसे खाना, मतलब हर जीव का नियम तय है, कैसे खाने का नियम तय है। ये जो कैसे खाने का नियम है कि हर जीवाणु जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया से भोजन करता है। हर जीवाणु कैसे भोजन करता है? जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया से भोजन करता है। तो अभी आप देखिए कि
नियम का क्या है? नियम है जीवो जीवस्य जीवनम्, ये प्रकृति का नियम है। जीव ही जीव को जीवन देता है, ये वाक्य ऋषि पाराशर का है। पाराशर जो है, ऋषि पाराशर ब्रह्मा जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, और उन्होंने धरती में आए देखे तो उनके मुख से पहला वाक्य निकला कि हे पिताजी, ये प्रकृति तो जीवो जीवस्य जीवनम है, जीव ही जीव को जीवन देता है। अब ये जीव कौन से हैं? सूक्ष्म जीव। इस प्रकृति में सूक्ष्म जीव 96% है। कितने हैं? और ये 96% जीव बड़े जीवों का आहार है। ठीक है, हर जीव प्रोटीन देना है मनुष्य को, प्रोटीन लैक्टोबेसिस ही देगा, और कोई जीव नहीं देगा। और पौधे को जो है, पौधे को बढ़ाने वाला उसको जो है प्रोटीन जैसे तत्व देने वाला एक्टिनोमाइसिटीज है। तो हर जीव का बढ़ाने वाला, फिर कार्बोहाइड्रेट कौन सा जीव देगा? क्योंकि हर जीव के प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट अलग अलग जीव देंगे, ये तय है। फास्फोरस का जीव फास्फोरस देगा, पोटास का जीव पोटास देगा, जिंक का जीव जिंक देगा, आयरन का जीव आयरन देगा, कैल्शियम का जीव कैल्शियम देगा। अब जो आयरन का जीव है वो कैल्शियम नहीं दे सकता क्योंकि सल्बुलाइज ही नहीं कर सकता वो, ठीक है। पोटास का जीव पोटेशियम को ही सल्बुलाइज कर सकता है, ठीक है, पोटास को ही सल्बुलाइजन करके पोटेशियम बना सकता है, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो खाने लायक होते हैं। तो प्रत्येक जीव खाने लायक भोजन बनाने का काम करते हैं, और वो जीव तय है कौन करेगा। इस जीवो जीवस्य जीवनम को कुछ लोग जो है क्या लिखते हैं, कुछ लोग इसको लिखते हैं जो है जीव ही जीव आहारा कहते हैं। बड़ा जीव का भोज, बड़ा जो जीव है जो दिखाई देता है, ठीक है, उसको नहीं खाना है। उसको खाना यदि वो मांसाहार है। हमें सूक्ष्म जीव खाने के लिए कहा गया। आपके दही में क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। भगवान कृष्ण ने खाया कि नहीं खाया? फल में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के सूक्ष्म जीव। भगवान कृष्ण ने खाया कि नहीं खाया? और फलाहारी होना चाहिए। फल पकता है तो एक सोंधी महक आती है, वो जीवाणुओं के कारण आती है। जैसे दूध जब दही में और मक्खन में कन्वर्ट होता है तो उसमें खुशबू आती ना, तो हमें जीवाणुओं को खाने के लिए कहा गया। जीवाणु खाके जीवन जियो ये कहा है प्रकृति ने। जीव खाके जीवन नहीं देना। अगर जीव खाके जीवन दे रहे हैं तो ये अप्राकृतिक है। जीवाणु खाके जो है जीवन करना है, यानी ये जो नियम प्रक्रिया है, ये जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब जीव ही जीव को जीवन देता है, मतलब प्रकृति ने तय किया है कि आपको किस जीवाणु से प्रोटीन लेना है, किससे कार्बोहाइड्रेट लेना है, किससे जिंक आयरन कैल्शियम मैग्नीशियम लेना है। चूंकि अपना भोजन आप तय कर लो, हर प्रकृति में हर जीव का भोजन तय है। जैसे क्या होता है, शेर मांस खाता है। शेर क्या खाता है? मांस। और गीदड़ क्या खाता है? मांस खाता है। तो शेर ने मांस खाया, गीदड़ ने भी, दोनों का यम जो है मांस है, लेकिन नियम बदल गया। शेर को ताजा चाहिए और गीदड़ को सड़ा हुआ चाहिए। गीदड़ को क्या चाहिए? सड़ा हुआ चाहिए। मतलब ताजा रहेगा तो शेर को पूरा जो है भूमि तत्व प्राप्त होगा और गगन तत्व स्वतः उसके अंदर आ जाएगा। और गीदड़ अगर सड़ा हुआ मांस खाएगा, शेर ताजा, गीदड़ सड़ा हुआ मांस खाएगा तो उसके अंदर जो है भूमि तत्व तो मिलेगा, स्वतः में गगन तत्व भी मिल जाएगा। यानी सड़े हुए मांस में सड़े दुर्गंध के बैक्टीरिया है, सड़ा हुआ बैक्टीरिया है। ये जो गीदड़ है ना, प्रकृति के 74% दुर्गंध को खत्म करते थे, अब गीदड़ ही गिद्ध ही खत्म हो गए। यानी दुर्गंध को खत्म करने का काम प्रकृति ने इसको दिया था, और वो चाहता था कि दुर्गंध फैले। जितना वो प्रतीक्षा करता है मांस सड़ जाए तब मैं खाऊं, क्योंकि गीदड़ को पता है मैं सड़ा हुआ मांस खाऊंगा तो मेरे अंदर गगन तत्व आएगा, और गगन तत्व क्या करता है? स्वाधिष्ठान चक्र को बढ़ा शक्तिशाली करता है, अर्थात प्रजनन की क्षमता। गगन को पिता कहा है,
क्या कहा है गगन को? पिता तत्व कहा है, यानी जिसका गगन तत्व अच्छा है उसकी प्रजनन की क्षमता जो है ये पूर्ण होती है, उसके शरीर में शुक्र की निर्मिति होती है, स्वादिष्टान चक्र सक्रिय होता है। तो इन जीवों को पता है हमें क्या खाना और कैसे खाना, मनुष्य को नहीं पता और मनुष्य को खेती करते भी ये बात पता नहीं है। तो इस तरह से जो है भूमि तत्व के बाद है गगन तत्व, अगर नियम प्रक्रिया का पालन करते तो गगन तत्व ऑटोमेटिक आपका स्थिर हो जाएगा शरीर में और खेती में भी। फिर उसके बाद है वायु तत्व। प्राकृतिक तौर पर वायु तत्व जो है ये आहार है, ठीक है, आहार, हमारा आहार जो है वो पंच महाभूत है। हम केवल भोजन यानी खाना नहीं खाना, खाना तो भूमि तत्व से हमें, ये भोजन से भूमि तत्व मिलता है, ठीक है। गगन के लिए हमें उपवास करना। आप देखिए हर जीव का भोजन का समय तय है, हर जीव, आप चिड़िया देखिए सुबह 8 से 10 बजे तक खाएगी, बंदर देखिए सुबह 7 से 9 बजे तक खाएंगे, उसके बाद नहीं खाएंगे, और खा रहे हैं तो उनका शरीर जो है धीरे धीरे खत्म होगा। हर जीव का भोजन का समय तय है और हर जीव का जो है उपवास का भी एक समय होता है। आप बहुत से जीव देखे होंगे बीमार होते तो खाना छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि यदि मनुष्य अन्न, यदि मनुष्य फलाहारी है यम नियम के आधार पर, यम नियम क्या कहता है, फलाहार है, यदि मनुष्य फलाहारी है तो उसको उपवास की जरूरत नहीं है, लेकिन अन्नाहारी हो गया तो उसको हर एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। और प्रकृति ने स्पष्ट तौर पे कहा है एकादशी करो, क्योंकि एकादशी में चावल निगेटिव हो जाता है, इसलिए प्रकृति ने चावल ही निगेटिव करवा दिया, फिर भी मनुष्य हर एकादशी में चावल खाता है निगेटिव होने के बाद भी। तो हर एकादशी अन्न खाओगे तो आपको हर एकादशी यानी 24 दिन का, वर्ष में 24 दिन का आपको क्या करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगर मांस खाना पड़ा, मान लो कहीं ऐसी जगह है रेगिस्तान में है, वहां है ही नहीं ना खाने के लिए अन्न है ना खाने के लिए फल है, अगर मांस खाएंगे तो फिर पूरे 30 दिन आपको उपवास करना पड़ेगा, यानी आपको टोटल केवल नहीं केवल जो है ना खाना और पीना दोनों छोड़ना पड़ेगा, ना खाना खाना है ना पानी पीना है, खाना पानी दोनों छोड़ना पड़ेगा यदि किसी कारण से मांस खा लिए तो। ये हमारे यहां शोधन की पद्धति थी, पर शोधन ही क्यों करना, मांस खाना ही नहीं तो खाना पानी छोड़ने की जरूरत नहीं, और यदि अनाज खाते हो तो जो है 24 दिन की एकादशी अनिवार्य है। जो ये नहीं करता उसका क्या होगा भाई, उसके शरीर में गगन तत्व की मात्रा 8% से घट जाएगी और फिर क्या होगा, वो उसके उसका हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भूमि तत्व बढ़ जाएगा, जो खून के आने जाने की जगह है वो ब्लॉकेज कम हो जाएंगे और वो व्यक्ति मर जाएगा हार्ट से। तो गगन तत्व की कमी से आपके शरीर में जो है हार्ट प्रॉब्लम होगी। तो आहार केवल भूमि का नहीं, मतलब आहार केवल खाना नहीं है, उपवास भी आहार का एक हिस्सा है, यानी गगन तत्व लेना, फिर वायु तत्व अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको करना पड़ेगा, या अपने बेडरूम में तुलसी का पौधा रखना पड़ेगा, क्योंकि अब बाहर भी ऑक्सीजन नहीं है, घर में तुलसी लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन चाहिए तो, या घी का हवन करके ऑक्सीजन जो है आपको अपने घर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, चाहे घी का हवन करके करें। फिर विहार यानी मनुष्य अपना कर्म, हर जीव कर्म कर, आप देखना कि चिड़िया जो है खाना खाती और खूब फुदकती है, शेर खाना खाता और खूब सोता है, क्योंकि जो मांस खाएगा वो सोएगा, उसका विहार है, जो मांस खाएगा उसको सोना पड़ेगा, उसके विहार का हिस्सा है, ठीक है। और चिड़िया फल खाती है, दाने चुगती है तो फुदकती है, वो इसका विहार। मनुष्य का विहार जो है वो क्या है, कृषि है, उसको कृषि करना पड़ेगा। फिर ऐसा करके प्रत्याहार, प्रत्याहार होने से नीर अपने आप आ जाएगा, विहार होने से अग्नि आ जाएगी। प्रत्याहार यानी हर अंगों का आहार हो गया है, आंखों को विटामिन ए मिल गया, ठीक है, खून को जो है आयरन मिला, हड्डियों को कैल्शियम मिला,
हर अंगों का आहार पूर्ण हो गया तो प्रत्याहार। तो इस तरह से यम नियम आहार विहार प्रत्याहार से क्या होगा कि प्राकृतिक तौर पर भूमि गगन वायु अग्नि नीर मिल जाएगा, जैसे कि हर पशु पक्षी और जीव करते हैं। पशु पक्षी है ना, और सभी तरह के जीव। सभी तरह के जितने भी प्रकार के जीव हैं वो सब जो हैं वो सब क्या कर रहे हैं कि यम नियम आहार विहार प्रत्याहार का। यम यानी क्या खाना, नियम मतलब कैसे खाना, आहार मतलब पंच महाभूतों का पूर्ण आहार, विहार मतलब काम करना। क्या है हमारा वो जो है उनका, जैसे शेर है सोएगा, केचुआ जो है ऊपर से नीचे जो है यात्रा करता है ना, प्रत्याहार ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यम और जो है नियम ये दोनों अगर अति उच्च हैं तो आपका जो भूमि और माता तत्व पिता तत्व ये दोनों पूरे कंप्लीट होते हैं। तो यम नियम उच्चते इति योगा, इसलिए कहा गया कि कम से कम यम नियम को तो ऊपर रखो, क्या खाना और कैसे खाना को। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको जो है ऊर्जा प्राप्ति के जो भौतिक और अभौतिक साधन है, मान लो आप प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं हुई तो आप भौतिक और अभौतिक प्रक्रिया से कैसे जो है पंच महाभूत प्राप्त करेंगे। जैसे भूमि तत्व आप जो है गोबर से निकाल सकते हो, गोबर के कंडे बना के इससे भी निकाल सकते हो यज्ञ करके, कंडे बनाकर। गगन तत्व गौमूत्र से, मान लो गगन तत्व घट रहा है तो 20-20 ml जो है देसी गाय का, ठीक है, जो प्रेग्नेंट ना हो बीमार ना हो ऐसी गाय का, और जो जंगल में चरने जाती हो मतलब जो यम नियम आहार विहार प्रत्याहार का पालन करती हो ऐसे गाय का गौमूत्र पी करके, और आप क्या कर सकते हो गगन तत्व बढ़ा सकते हो। फिर वायु तत्व आप जो है घी, घी का हवन करिए, कंडा जलाइए उसमें एक बूंद घी डालिए, आप देखिए वहां जो है श्वास लेने में आपको बड़ी सहूलियत महसूस होगी, करके देखिए, ठीक है। और कंडा जला के आप लकड़ी जला के अगर घी डालेंगे तो उसका नहीं दिखता है, आपको गाय का गोबर जला के फिर घी आप डालिए और विधिवत डालिए जिसको मंगल हवन कहते, फिर देखिए कितना बढ़िया। तो आपके जो है वायु तत्व की पूर्ति घी से हो जाएगी, अग्नि तत्व की पूर्ति दही से होती है और मक्खन से होती है। मक्खन अगर खाते हैं ज्यादा टेम्परेचर है कम हो जाएगा, मतलब अग्नि तत्व तो बढ़ा होगा तो कम हो जाएगा, और घटा है तो बढ़ जाएगा। कितनी बढ़िया है दही, और इसको लिखना चाहिए मक्खन। फिर अगला है नीर तत्व, तो ये छाछ से पूर्ति होती है, इसलिए हमारे पूर्वज भोजन के साथ छाछ जरूर लेते थे, भोजन के साथ छाछ जरूर लेते थे, ठीक है, क्योंकि ये छाछ में एक एसिड होता है साइटोकाइनिन एसिड, साइटोकाइनिन। ये जो एसिड होता है इसका काम ही है, ये ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि तुम इधर जाओ, तुम रुक जाओ, तुम इधर जाओ, तुम रुको, तुम इधर जाओ, जिसको जहां भेजना हो। मान लो पेड़ है ये, ठीक है, ये पेड़ है तो पेड़ को क्या है साइटोकाइनिन, फूल आना हो तो फूल की तरफ खुराक भेज देगा, पत्ते निकालना हो तो पत्ते की तरफ भेज देगा। तो साइटोकाइनिन जो है एसिड इसके अंदर होता है, छाछ के अंदर स्वभावता होता है, देसी गाय के जो है दूध के छाछ में ये होता ही है साइटोकाइनिन एसिड। ये ट्रैफिक पुलिस का काम करती है, ट्रैफिक पुलिस यानी सबको अपने स्थान पर भेज देना, मतलब ये प्रत्याहार कंप्लीट करा देगी छाछ साइटोकाइनिन एसिड। तो ये जो है भौतिक है ऊर्जा प्राप्ति के ये साधन है, भौतिक साधन जो गाय आपको फ्री में देती है, जंगल में चर के आके फ्री में ही तो देती है गाय। और यदि अभौतिक तरीके से प्राप्त करना है तो यज्ञ करो। यज्ञ दो प्रकार का है, अग्निहोत्र और एक है नित्य यज्ञ, एक है नैमित्तिक। नैमित्तिक यज्ञ कौन सा है, अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, सोम यज्ञ, पंच महाभूतों में अगर बहुत वो हो गया है, बहुत असंतुलन हो गया तो सोम यज्ञ करना पड़ेगा। तो ये नैमित्तिक और नित्य यज्ञ अग्निहोत्र, ये मैंने स्पेशल आपको बताया अग्निहोत्र करने से। अब अग्निहोत्र के जो यज्ञ से भस्म है उसमें हमने 47 तरह के ऑक्सीडाइज मिनरल्स प्राप्त किए हैं,
यानी जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, है ना, कैडमियम ऑक्साइड, है ना, फेरस ऑक्साइड, ये हमें ऑक्सीडाइज फॉर्म में अग्निहोत्र के भस्म से मिले हैं। इसलिए अमेरिका के लोग अग्निहोत्र भस्म को कैप्सूल बना के घुटकते हैं, कैप्सूल बना के घुटकने लगे अमेरिका में। हमारे यहां पूर्वज उसको भभूत, ऋषि मुनि भभूत के रूप में देते थे, लेकिन अभी भभूत की बात करोगे तो लोग कहेंगे कि ये जो है पोंगा पंडित है या कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि अभी आज के पढ़े लिखे लोगों को समझ ही नहीं आता इन सब का विज्ञान। लेकिन अब धीरे धीरे जब अमेरिका और जर्मनी, अभी मैं जो है 8-9 के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में बनारस में था, तो वहां डॉक्टर उर्लिच बर्क आए थे और उनकी टीम आई थी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से हम आपके जो है सारे लेक्चर को सुन रहे हैं और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लोगों को बता रहे हैं। तो अभी जो है यज्ञ के द्वारा इससे निकला हुआ जो भस्म है उसको दुनिया खा रही है कैप्सूल के रूप में बना के। हमारे पूर्वज भभूत के रूप में देते थे क्योंकि उसमें 47 मिनरल्स हैं और वो भी ऑक्सीडाइज है, और 47 में से 52% ऑक्सीजन है, 48% जो है उसमें क्या है, मिनरल्स हैं। तो ऑक्सीडाइज है मतलब खाने लायक है, अवेलेबल फॉर्म में है। तो अभौतिक तरीके से आपको भूमि तत्व मिल जाएगा यज्ञ से यानी अग्निहोत्र से, गगन तत्व मिल जाएगा दान से मतलब उपवास। दान के दो अर्थ हैं, एक है उपवास यानी भोजन नहीं करना और दूसरा है दान खाली होना। ठीक है, आपके अंदर ज्ञान का अहंकार हो गया तो आप तो उल्टे खड़े हो गए, फिर कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ज्ञान के अहंकार को सबसे जो है, युधिष्ठिर ने कहा ना अहंकार सबसे भारी है, तो सबसे भारी जो है अहंकार है तो उसको खाली करना। इसलिए हमारे यहां कहा गया कि जो 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 पांच तरह की भौतिक चीज थी उनको कहा कि उनको बांटो सब में, और जो पांच तरह के अभौतिक जो है चीजें थी जैसे क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, इनको हमारे पूर्वजों ने कहा हमेशा के लिए त्याग दो। और जो धन है, ठीक है, राज्य भूमि का धन, ठीक है, सोना चांदी का धन, ठीक है, गाय का धन, ठीक है, और इस तरह के जो पांच तरह के धन थे, मतलब गौ धन, गज धन, बाज धन ऐसे कहे गए ना, जो कमाने वाले धन थे उनको कहा कि लोगों को बांटो, और जो लोभ क्रोध मोह मद और अहंकार था उसको कहा हमेशा से त्याग दो। अगर ये आप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपके शरीर में गगन तत्व की निर्मिति हो जाएगी, आपका शरीर खाली हो जाएगा। आप जो है अभी देखते होंगे बहुत बहुत से जैन मुनि चलते हैं तो गृहस्थ आदमी को दौड़ना पड़ता है, क्योंकि जैन मुनि क्या है कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे, एक तो खाना भी कम खाते हैं और दूसरा उनके अंदर कोई जो है लोभ क्रोध मोह मद और अहंकार होता ही नहीं, तो उनका शरीर 67-70 साल में भी वो चलते हैं तो 20-24-28 साल के गृहस्थ जो होते हैं उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर में गगन तत्व की मात्रा बढ़ी हुई होती है। हमको दिख रहा है कि फला जैन मुनि का जो है शरीर बड़ा बेडौल या बड़ा है, पर उनके लिए, अच्छा उनका वजन नापेंगे तो भी 70 किलो मिलेगा, पर उनके लिए वो वजन शून्य है क्योंकि गगन तत्व उनके शरीर में 8% स्थिर है, इसलिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तेजी से चलते हैं और बाकी लोगों को दौड़ना पड़ता है। तो इस तरह से जो है दान, फिर तीसरा है तप। तप यानी क्या, यज्ञ दान और तप। तप यानी है आपको ऑक्सीजन का अधिकतम उपयोग, ऑक्सीजन का अधिकतम उपयोग है तप। देखिए हम जितनी जल्दी जल्दी श्वास लेंगे उतनी जल्दी हम मरते हैं, कैसे एक उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे देखिए कुत्ता कितना मिनट, कितने कैसे श्वास लेता है, 1 मिनट में 60 बार श्वास लेता है, कितने साल जीता है भाई, वो 10 से 12 साल जीता है, 10 से 12 साल, ठीक है, कितने बार श्वास लेता है, 60 बार, 10 से 12। कुत्ता से ज्यादा है गाय बैल, गाय बैल जो है भैंस, ये 1 मिनट में कितने बार, 30 बार श्वास, आधा हो गया इसका, कितना हो गया आधा, 30 बार श्वास लेते तो ये इससे डबल जीते हैं, 20 से 30 साल जीते हैं, कितने साल, 20 से 30 साल जीते हैं।
ठीक है। फिर उसके बाद हाथी, हाथी जो है एक मिनट में कितने बार श्वास लेता है, 18 बार श्वास लेता है, तो कितना जीता है, लगभग इसका आधा से थोड़ा ज्यादा हुआ है ना, तो आप आधा मान लो, तो इसका डबल कितना हो गया, 40 से 60 साल जीता है कौन, हाथी, ठीक है, 15 से 18 बार ही श्वास लेता है। फिर उसके बाद आता है मनुष्य, मनुष्य जो है औसत एक मिनट में 12 बार श्वास लेना चाहिए, पर अभी वो लेने लगा है 18 से 20 बार। अगर 12 बार श्वास ले जाए जो प्रकृति ने तय किया, तो उसकी जो है घट जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, ठीक है, कि उससे कितनी हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी 60 से, औसत जो है नहीं, मनुष्य जो है एक मिनट में 12 बार श्वास नहीं लेता, मनुष्य एक मिनट में 8 बार श्वास लेना चाहिए, कितने बार, 8 बार, और हाथी जो है ये 15 बार श्वास लेता है उसका आधा, और मनुष्य जो है हाथी से भी आधा यानी 8 बार श्वास लेता है, तो उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 80 से 60 दूनी 120 वर्ष होनी चाहिए मनुष्य की औसत उम्र, मिनिमम 80 अधिकतम 20, लेकिन मनुष्य अभी 8 बार के बजाय 12 से 16 बार श्वास लेता है। आप अभ्यास करके देख लेना, घड़ी को रखना और श्वास लेना, आप 12 से 16 बार श्वास ले रहे हो, मतलब ऑटोमेटिक आपकी उम्र स्वतः घट गई, 80 से 60 नहीं रही, अब कितनी हो गई भैया, 12 से 16 यानी आप लगभग 60 से 80 साल में ऐसे ही चले गए प्राकृतिक तौर पर। क्यों, ये जो श्वास लेना है इसको कहा गया तप। मनुष्य को स्पष्ट हमारे पूर्वजों ने कहा है, हर जो है आदमी के श्वास तय है, कितना श्वास लेना है पहले से तय है, आप जल्दी जल्दी लेके खत्म कर दोगे, तो उसको बोला गया ऑक्सीडेशन, इसको इस प्रक्रिया को क्या कहा गया भैया, ऑक्सीडेशन, यानी जितना ज्यादा ऑक्सीजन लोगे उतना आपके शरीर की उम्र बढ़ेगी। जैसे आप जो है कोई कील को पानी में भिगाते हो, फिर हवा में रखोगे, फिर पानी में भिगाओगे, फिर हवा में रखोगे, तो जंग लग के खत्म हो जाता है ना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को रोकना है, तो इस प्रक्रिया का नाम जो है, हमारे पूर्वजों ने इस प्रक्रिया के नाम को कहा तप। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया के नाम को क्या कहा, तप कहा। उस और तप की पूर्ति के लिए हमारे यहां बनाया गया प्राणायाम, ठीक है, हमारे यहां प्राणायाम करने को कहा गया, धीरे धीरे श्वास लेने को कहा गया, जितना श्वास रोक के लोगे उतना जीवन बढ़ेगा। हमारे यहां व्यायाम को जरूरी नहीं कहा गया, व्यायाम तो चिकित्सा है, जैसे क्या है, रंग चिकित्सा, गंध चिकित्सा है ना, एलोपैथ चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेद में रंग गंध, वैसी व्यायाम चिकित्सा है, प्राणायाम है जीवन पद्धति, इसको कहा गया करने को, ठीक है। तो इस तरह से अभी जो है तप यानी हो गया वायु तत्व का अधिकतम उपयोग। फिर है कर्म, और कर्म है हमारे यहां मनुष्य का कर्म है कृषि, और मनुष्य कृषि करेगा तो पूरी प्रकृति में अपने आप स्वयं पोषी, स्वयं विकासी, स्वयं पूर्ण व्यवस्था हो जाएगा, प्रकृति में हर जीवों का भोजन पूर्ण हो जाएगा, प्रकृति में हर जीवों का जीवन चक्र पूरा हो जाएगा, प्रकृति का हर जीव को भोजन मिल जाएगा, ठीक है। खेती करता मनुष्य केवल अपने पेट भरने के लिए, चिड़िया भी उससे जो है, पशु पक्षी भी उससे भोजन लेते हैं, सूक्ष्म जीवों को भी भोजन मिलता है, अन्नात भवति भूतानि, अन्न से कई तरह के जीवों की उत्पत्ति होती है। तो मनुष्य कर्म करके ना केवल स्वयं का पेट भरता है, प्रकृति के हर जीव का पेट भरता है, और ना केवल पेट भरता है, इकोलॉजी को कंप्लीट कर देता है, पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण कर देता है, मतलब प्रकृति को पूर्ण कर देता है। तो मनुष्य का कर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं अलग से आपको जो है मेरी आने वाली किताब पंचमहाभूत कृषि में ये जो है
आपको पढ़ने को मिलेगा मनुष्य का कर्म क्या है और कैसे ये कर्म को पूरा करने से पंच तत्व कैसे शुद्ध और सजीव होते हैं वो मैं बताऊंगा, अलग से इस पे विषय रखूंगा। फिर तीसरा है स्वाध्याय। अगर आपके जो है आंख में विटामिन ए नहीं है तो करो स्वाध्याय, पढ़ो विटामिन ए क्या होता है, फिर किसमें पाया जाता है, फिर उसको डिजॉल्व कैसे करेंगे, फिर आंख में इंजेक्ट कैसे करेंगे, ये सब पढ़ना पड़ेगा। यानी एमबीबीएस बनना पड़ेगा आपको, डॉक्टर बनना पड़ेगा। यानी अभौतिक प्रक्रिया यज्ञ दान तप कर्म स्वाध्याय यानी एमबीबीएस होने से पूर्ण होता है, ठीक है। तो चाहे भौतिक तरीके से कर लो, चाहे अभौतिक तरीके से कर लो, या प्राकृतिक तरीके से ऑटोमेटिक पूर्ण करने का कर लो। मैंने खेती में प्राकृतिक तरीके से पूर्ण करके पौधे में पंच महाभूत कैसे पूर्ण होंगे उसका सारा अध्ययन कर लिया है, उस पर हम विधिवत चर्चा करेंगे। अब संक्षिप्त में बता देता हूं कि ये करने से ऑटोमेटिक ये जो है भूमि तत्व पूर्ण होते ही मूलाधार चक्र यानी लाल रंग यानी अन्नमय कोष का निर्माण हो जाता है हमारे शरीर में। ये जो शरीर दिखाई दे रही है अन्नमय कोष है। फिर जैसे ही आपका जो है गगन तत्व पूर्ण होता है, चाहे किसी भी प्रक्रिया से पूर्ण हो, वैसे ही आपके शरीर में स्वाधिष्ठान चक्र सक्रिय हो जाता है, उसका रंग नारंगी है, और इसके सक्रिय से प्राणमय कोष आपकी प्राण की ऊर्जा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है, प्राण में कोई दोष नहीं रहेगा। वायु तत्व जो है जैसे ही आपका पूर्ण होता है, चाहे वो कोई भौतिक अभौतिक हो या प्राकृतिक हो, जैसे ही ये होता है आपका मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है। उस चक्र का रंग पीला है जो रीढ़ के जो है नाभि से पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। अब उससे मनोमय केस आपका मन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका जो है अग्नि तत्व तो आपके शरीर में पूर्ण होता है, चाहे भौतिक तरीके से हो या भौतिक तरीके से हो या प्राकृतिक तरीके से हो, अनाहत चक्र सक्रिय हो जाता है। यह हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी में यह चक्र रहता है, और इसके चक्र के सक्रिय होने से विज्ञानमय कोष आपकी बुद्धि अपने आप विकसित होनी शुरू हो जाती है, अनाहत चक्र सक्रिय होते ही। फिर उसके बाद जो है आपका जो है जैसी नीर तत्व तो पूरा होता है, विशुद्धि चक्र सक्रिय हो जाती है, जो ये हमारे कंठ में पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित है, इसका चक्र नीला है, और इसका चक्र मतलब आपके शरीर में विशुद्धि यानी कोई भी प्रकार का जहर चाहे खाने से गया हो, पानी से गया हो, श्वास लेने से गया हो, सोचने से अगर कोई जहर गया हो, मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया तो भी तो शरीर में जहर की निर्मिति होने लगती है ना। आजकल जो शुगर के मरीज हैं वो खाना खाने से कम और टेंशन से ज्यादा हो रहे हैं। तो वो जो कोई भी जहर आपके शरीर में गया, नीर तत्व की पूर्ति होते ही ये चक्र सक्रिय हो जाता है जिसका रंग नीला है, और इसके सक्रिय होने से आपके शरीर में सारे जहर खत्म, और जहर खत्म होते ही आप आनंदमय कोष आनंद आपके शरीर में आ जाएगा। तो अन्न प्राण मन विज्ञान और आनंद ये पंच महाभूत के पूर्ण करने से आपके शरीर में पांचों महाभूत आ जाएंगे। ये पांचों महाभूत चाहे ये भौतिक तरीके से करो, चाहे अभौतिक तरीके से करो, चाहे प्राकृतिक तरीके से करो, किसी भी तरीके से करो, ये पंच महाभूत पूर्ण होते ही आपका पूरा जीवन आनंदमय शुरू हो जाएगा। फिर आता है इसके आगे मन बुद्धि और अहंकार, ध्यान धारणा और समाधि, ये मैं किसी और से बताऊंगा। इससे आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र आपके सक्रिय हो जाएंगे और आप यहाँ बीज बनाने की प्रक्रिया में यहाँ पहुंचते हैं। अभी देखिए भारत में जितने खेती के बीज बने हैं, ये बीज अमेरिका में बने क्या, जर्मनी में बने क्या? ये बीज जरूर मिलते हैं कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और भारत पहले एक ही कॉन्टिनेंटल जोन था जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता था। फिर भारत जो है पृथ्वी में जब ये जोन अलग अलग हुए तो दक्षिण अफ्रीका उधर चला गया, भारत इधर आके एशिया के कुछ जो है द्वीपों में मिल गया, और वो जो है टकराने से फिर जो है हिमालय का पहाड़ खड़ा हुआ था। तो इसलिए दक्षिण अफ्रीका की क्लाइमेट और भारत की क्लाइमेट जोन एक है, और इसलिए भारत में जो गाय है वही गाय दक्षिण अफ्रीका में दिखती है, वही उसी प्रजाति की। भारत में जो अन्न और बीज है वो दक्षिण अफ्रीका में दिखता है, उसके अलावा आप देखिए और किसी देश में है क्या? भारत में अरहर, मूंग, मटर, मसूर, जौ, जई, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, धनिया, मेथी, राई, कितने तरह के दलहनी, गैर दलहनी और सब्जियों के बीज है, कितने तरह के फलों के बीज है। पश्चिम में क्या है? आलू और प्याज, और खाने के लिए मछली।
मछली कम आलू प्याज जाता बटाटा बड़ा, या आलू में जो है आलू कम प्याज ज्यादा बटा बड़ा वो मुझे आता नहीं है, वो ये तो नहीं खाना है पश्चिम का, यही खाते थे। और इसलिए पश्चिम के लोग भारत से अन्न मसाले और कपड़े आने का इंतजार करते थे, और भारत में के लोग हर साल खूब अन्न उगाते थे। अन्नम बहुकुर्वीत, हमारे वेदों ने स्पष्ट कहा खूब अन्न पैदा करो, खूब बेचो दुनिया को, खूब खिलाओ। और वहां से चूंकि उनके पास रहता क्या था, सोना चांदी या सरफियां और समुद्र के सीप रहते थे, वही लेके आते थे। सबसे पुराना छोटा सीप है कौड़ी था, इसलिए भारत में कौड़ी से जो है व्यापार चलता था, और फूटी कौड़ी से भी चलता था कुछ गरीब राज्यों में भारत के, ठीक है। तो फूटी कौड़ी से जो है बिजनेस शुरू हुआ था भारत से, और चलता था सोना चांदी और असरफियों तक। तो भारत में बीज हमारे पूर्वजों ने बनाया गया, इसी प्रक्रिया से हमारे पूर्वज यम नियम आहार विहार प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की अवस्था में जाकर के अपने डीएनए का उपयोग करके और बीज बनाते थे। और ये डीएनए का उपयोग करके बीज बनाने की, मतलब डीएनए में छेड़छाड़ करके बीज बनाने की कला को आजकल जीएम सीड कहते हैं। आधुनिक विज्ञान नया बीज नहीं बनाता, ये ध्यान रखना। आधुनिक विज्ञान धान जैसी गेहूं जैसी कोई बीज, धान या जौ बाजरा जैसे कोई बीज नहीं बनाया, ये धान में गेहूं का कुछ मतलब या गेहूं में जौ का मिला के कुछ दूसरा बना लेंगे, पर नया अन्न पैदा नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज नया अन्न पैदा करना जानते थे। और इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज जो जीएम की आज की टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी भी जानते थे। उस टेक्नोलॉजी का नाम वृक्षायुर्वेद में चित्तीकरणम है, चित्तीकरणम उसका नाम है, यानी जीएम। पर वो जीएम क्या है, निगेटिव जीव से नहीं लिया, सांप बिच्छू केकड़े मेंढक या बेसिलस थोरिएंसिस बीटी से नहीं लिया जीएम। ये लेते थे किससे, हमारे पूर्वज लेते थे ये विभिन्न तरह के जो फल फूल हैं, जो औषधि हैं, उनमें से लेते थे। औषधि वाले अन्न जो है अनाजों से फल फूलों से उनके जो है लेकर के, और बीजों को, धान की 35,000 प्रजातियां है भारत में, 35,000। ये तो आज जो है रायपुर विश्वविद्यालय में है, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में, पता नहीं कितने होंगे। हर 20 किलोमीटर के अलग जो है धान की प्रजाति हमारे पूर्वजों ने बना दिया, और ना केवल बनाया, उनके बीजों को सस्टेन कर दिया, हमेशा के लिए कर दिया, कि अगर जो है विष्णु भोग है तो हमेशा विष्णु भोग, जीरा शंकर तो हमेशा 50,000 साल से जीरा शंकर ही है, दूबराज ही है, बास मैत्री ही है, बदला नहीं। आज का विज्ञान अगर जो है कुछ जेनेटिक छेड़छाड़ करके या कुछ ऐसा बीज बनाया तो केवल क्या बनता है, केवल बनता है जो है आधार बीज और सर्टिफाइड बीज। पहले होता है ब्रीडर बीज, कुछ छेड़छाड़ करके थोड़ा बहुत बनाया आधार बीज 2-3 साल, फिर 2-3 साल सर्टिफाइड, खत्म हो बीज। हमारे पूर्वजों ने तो जेनेटिक करेक्टर को लॉक कर दिया, और हजारों साल से दूबराज है, जीरा शंकर है, चिन्नौर है, ठीक है, विष्णु भोग है। ऐसे कितने तरह के बीज हमारे यहाँ, धान के ही नहीं, अरहर मूंग मटर मसूर जौ जई ज्वार बाजरा कोदो कुटकी धनिया मेथी राई और सहजन और कितने तरह के सब्जियों के बीज थे। तो मैं आया, ये प्रकृति का ऊर्जा चक्र है, ये TCBT यानी ताराचंद बेलजी तकनीक का ऊर्जा विज्ञान दर्शन से आया है, और इसी दर्शन से हम खेती कराना चाहते हैं। ये पंच महाभूत आधारित जो कृषि है, अगर ये कृषि करे तो हमारे आने वाली संतानें नए नए तरह का बीज बनाना और दुनिया के पेट भरने लायक अन्न उत्पादन करना, ये भी अन्नम बहु कुर्वीत, अन्न तो पैदा करेगी, नए नए बीज भी बनाएगी। बस इस विज्ञान के आधार पर हम चले। और आपने देखा होगा भी ताराचंद बेलजी तकनीक से जहां जहां खेती हो रही है, ऊर्जा विज्ञान से पंच महाभूतों की जो है शुद्ध सजीव करने से रिकॉर्ड प्रोडक्शन, अभी तक हमें 18 फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिल चुके हैं। अभी मैं जो है कल से यात्रा कर रहा हूं 45 दिन का उत्तर भारत 4 राज्यों में, वहां 1,000 से ज्यादा किसानों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन आने वाले हैं, कई फसलों का, चने का, गेहूं का, सरसों का। तो ये सारे रिकॉर्ड प्रोडक्शन मैं आपको डालूंगा, उन किसानों ने कैसे अच्छा प्रोडक्शन लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने पंच महाभूत आपको बताया, अभी उसका असंतुलन बताता हूं। मैंने पिछले लेख में बताया कि भूमि तत्व 1%, गगन तत्व 8,
जो है वायु तत्व 21% और नीर तत्व 70% में बना। अब भूमि तत्व ज्यादा हो गया तो शरीर में कठोरता आएगी, कम हो गया तो कुपोषण। अभी जो है पूरी दुनिया कुपोषण की शिकार है, इसको बोलते हिडन हंगर, क्योंकि जो आज जो रासायनिक खेती से किया जाता है उसमें केवल जो है फास्फोरस, पोटास और थोड़ा बहुत जिंक, थोड़ा बहुत कैल्शियम, थोड़ा बहुत मैग्नीशियम और सल्फर डाला जाता है बस, क्योंकि ऊपर के 6 इंच में ट्रैक्टर की जुताई बार बार जुताई करनी है, सारे तत्व तो बह गए, अब है ही नहीं वहां पर, है ही नहीं ऊपर के 6 इंच में मिनरल्स। तो जब मिनरल्स ही नहीं है रहेंगे तो पौधे में कहां से आएंगे। सब कुपोषण से पूरी दुनिया जो है ग्रसित हो गई है। WHO ने कुपोषण, हिडन हंगर को मानव स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या घोषित कर दिया है। अभी जो जो तथाकथित प्राकृतिक खेती है उसमें भी केवल कुछ जीवाणु डाले जा रहे हैं, वो भी निगेटिव जीवाणु जा रहे हैं दुर्गंध के। जैविक खेती में गोबर डाला जाता है या केचुआ खाद, उसमें भी कोई जो है मल्टी विटामिन या मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं होते, जिंक आयरन कैल्शियम नहीं होता, तो उसमें भी कुपोषण है। केवल TCBT पद्धति में सारे पोषण मिल रहे हैं, और ना केवल सारे पोषण है, पंच महाभूत भी है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है गगन तत्व तो होगा तो बीज बनेगा, गगन तत्व तो कम हो गया तो आपके शरीर में बहुत ज्यादा हल्कापन, वजन में एक विशेष कमी आएगी, वात की समस्या बढ़ती चली जाएगी। वायु तत्व तो ज्यादा हो गया तो वात, कम हो गया तो रुक्षता आएगी। अग्नि तत्व तो ज्यादा हो गया तो पित्त बढ़ गया, और कम हो गया तो कफ बढ़ जाएगा। ये गलत मिसप्रिंट हो गया, कफ बढ़ जाएगा। अग्नि तत्व भी कम हुआ तो कफ बढ़ेगा, या नीर तत्व भी कम हो गया, जल भी कम हो गया तो कफ बढ़ेगा, मतलब आंखों के नीचे लाल सफेद आ जाएगा, पंजों में सफेद, जीभ में सफेदी आ जाएगी, ठीक है। खूब ज्यादा जो है नींद आएगी, काम करने का मन नहीं होगा, हो सकता ब्लड प्रेशर भी लो हो जाए। और अग्नि तत्व जो है घट गया या नीर बढ़ गया तो कफ, और नीर जो है बढ़ गया या नीर घट गया तो भी पित्त बढ़ जाए। नीर घट गया या अग्नि तत्व तो बढ़ गया तो पित्त हो जाएगा। जैसे पानी हमारे शरीर में कम हो गया तो स्वाभाविक है अग्नि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और अग्नि और नीर के बढ़ने से वात ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो ये पंच महाभूत के असंतुलन को ही हमारे वृक्ष आयुर्वेद में या हमारे आयुर्वेद में त्रिदोष कहा गया, ठीक है। त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ, ये 3 ही दोष है, और ये 3 ही दोष के निवारण मनुष्य के शरीर में भी कितने ही बीमारी हो, निवारण ये 3 ही दोष हैं, इनको ही ठीक करना है। कुछ बीमारी हो जाए इनको ही ठीक करना है, क्योंकि भारत जो है ऊर्जा विज्ञान के आधार पर जीता है, अणु या परमाणु विज्ञान के आधार पर नहीं जीता, ऊर्जा विज्ञान में 3 ही दोष है। वैसी खेती में भी 3 ही दोष आते हैं, और आने वाली मेरी पुस्तक जो पंच महाभूत कृषि में इनकी मैं सचित्र व्याख्या कर रहा हूं कि पौधों में वात हो गया तो कैसे दिखेगा, पित्त हो गया तो कैसे दिखेगा, कफ हो गया तो कैसे दिखेगा, और इसका वर्णन भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है पंच महाभूत असंतुलन है। अब जो है, अब ये हम इसको पहचानेंगे कैसे, ये बड़ी समस्या थी कि पंच महाभूतों को जांचेंगे कैसे। 2009 जब से प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाया और मैंने स्पष्ट लिखा कि हम पंच महाभूतों को शुद्ध, सजीव और शक्तिशाली करके खेती करेंगे। अब पंच महाभूत को जांचे कैसे, शुद्ध है कि अशुद्ध है, बड़ी समस्या थी। तो मेरे पास जो है ये जो है डाउजिंग, इसको बोलते हैं पेंडुलम, ये माला का विज्ञान जो है अचानक से मेरे अंदर, ये एक जो है TCBT जो है माला विज्ञान मेरे अंदर आया कि ये जो है रुद्राक्ष की माला से पंच महाभूत चेक करना, ये मैंने सीखा है। और ये जब मैंने खेती में देखी कि भयंकर जो है उधर मध्य प्रदेश में खेती पूरी बर्बाद हो रही सब्जियों की, सोयाबीन तो हो ही नहीं रहा है, उधर गया गुजरात में तो वहाँ जो है समुद्र के किनारे खड़े 40 साल के बड़े बड़े नारियल के पेड़ बर्बाद, ठीक है। उधर शिमला गया तो वहाँ सेब में कुछ नहीं आ रहा है, महाराष्ट्र गया तो वहाँ जो है वहां सारे अमरूद के और नींबू के बाग, संतरे के बाग बर्बाद हो रहे हैं, मल्टी क्रॉप तो पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। तो एकदम से मन में करुणा आई कि प्रभु मुझे इसको बताओ क्या कमी है, क्योंकि मैं माला हमेशा लेके चलता था, और भूमि का जैसे ही मैंने भूमि के ऊपर माला रखा और पूछा कि भाई इसमें भूमि तत्व तो बताओ कितना है, अपने आप मेरा माला उल्टा और सीधा घूमना शुरू कर देता है। और
ये उल्टा और सीधा घूमना शुरू कर देता है। मैंने लगभग 100 किसानों को सिखाया भी है, जो टीसीबीटी खेती अच्छी करते हैं, जिनके अंदर मैंने एक भाव देखा, क्योंकि ये प्रकृति जो है ना भाव से चलती, बुद्धि से नहीं चलती। बुद्धि में शंका आती है, भाव में श्रद्धा आती है। तो जो किसान मुझसे भाव से जुड़े, मन से अच्छे से जुड़े, उनको मेरे को माला सिखाने की इच्छा हुई। और उनको मैंने कई बार तो फोन से ही मैंने कहा ऐसे ऐसे करो और माला सीख गए 100 किसान। ये जो है पेंडुलम से और भूमि गगन वायु अग्नि नील चेक करना जानते। तो ये तकनीक जो है, ये जो स्वयं पोषी स्वयं विकासी स्वयं पूर्ण व्यवस्था की तकनीक है, इस तकनीक जो ऊर्जा विज्ञान पर आधारित तकनीक है, अब इसका नाम हमने टीसीबीटी क्यों रखा ये भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अब इसका नाम मैं वृक्षायुर्वेद कृषि लिखता तो लोग कहते भाई इसमें मांस का वर्णन है तो मांस क्यों नहीं डलवाते। मैं उसको लिखता अग्निहोत्र कृषि तो उसमें कहते भैया इसमें तुम ये सजीव जल जैव रसायन भस्म रसायन क्यों डाल रहे हो, केवल अग्निहोत्र डालो। मैं कहता वैदिक कृषि तो लोग कहते इसमें केवल हवन करो और बायोडायनेमिक करो, बाकी ये सब मत करो। मैं इसको बोलता यौगिक कृषि तो कहते केवल योग करो, बाकी चीजें क्यों कर रहे हो। मतलब हर जो है भारत की हर कृषि पद्धति ने स्वयं में कुछ ना कुछ अपने आप से दोष खड़ी कर लिए। और अगर ये नाम मैं रखता तो वो लोग कहते तुम केवल हमारे हिसाब से करो, उसमें कुछ मत करो। मैंने कहा एक तो नाम ही हटा दो, टीसीबीटी ताराचंद बेल जी रख दो। दूसरा, ताराचंद बेल जी कृषि रखने के पीछे मेरा जो है कि आने वाले समय में लोगों को, अभी ऑर्गेनिक अन्न के नाम से बहुत धोखाधड़ी है, मैंने सीधे उसको टीसीबीटी पंच तत्व फूड, जो भी टीसीबीटी खेती करेंगे उनके अंदर पंच तत्व होगा। और ये पंच तत्व फूड जो है इसको कोई भी जो माला जानता है वो टीसीबीटी विशेषज्ञ सर्टिफाइड कर देगा, इस किसान का भोजन टीसीबीटी मतलब पंच तत्व इसमें है। तो उसका जो है जैसी हम रिकमेंड करेंगे उस किसान का जो है अन्न बिकने लगेगा बिना किसी सर्टिफिकेशन के चार्ज लिए और बिना किसी लैब में गए। तो ये हम केवल माला से पंच महाभूत चेक करते हैं। अब ये जो है कैमरे के सामने चेक नहीं हो सकता, या कोई आंखों से देखता रहेगा तो भी चेक नहीं हो सकता, क्योंकि आंखों की ऊर्जा होती है, ठीक है। तो ये जो है आधुनिक विज्ञान ने भी इसको कहा, उस कंसेप्ट का कुछ नाम है, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही जो है ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रॉन का प्रक्षेपण किया गया जो है गत्तों के आगे, जिसमें छोटा छोटा था कैमरा लगाया गया तो दाएं बाएं वो प्रक्षेपण होने लगा इलेक्ट्रॉन का, कैमरा हटाया गया तो एक रेखीय जो है सारे इलेक्ट्रॉन टकराए एक ही रेख पर। तो ये कंसेप्ट है, कुछ आधुनिक विज्ञान का ही कंसेप्ट है, मैं देख के बताऊंगा इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं। तो इसलिए जो है अभी टीसीबीटी विशेषज्ञों से भी आग्रह है कि आपको अगर पंच महाभूतों का चेक करना है तो जो है अपने से एकांत में ही करें, ठीक है, स्वयं के जो है उसमें करें, अकेले में ही करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गाय की ऊर्जा चेक करते हैं। जिस गाय में 2-4 पीढ़ी पहले भी ब्रीड किया गया जर्सी एचएफ, तो उसकी 3-4 पीढ़ी के बाद दिखती तो देसी है लेकिन उसके कंडे निगेटिव निकलते हैं, ठीक है। और जो जर्सी और एचएफ गाय है वो तो है ही उनके, उनका तो गोबर गोमूत्र दूध दही घी सब निगेटिव, उल्टा घूमता है माला। या वेदर राजेश कपूर से उनका गोबर ये जो है ये प्लग पॉइंट पे रख के आप हाथ ऐसा करेंगे तो हाथ दब जाएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो देसी गाय हो उसकी ऊर्जा हम चेक करते हैं, कंडे की ऊर्जा भी चेक करते हैं, है ना। कई बार मिक्स ब्रीड होती है तो उनके कंडे निगेटिव आते, कई कई बार क्या होता है गाय तो देसी है पर उनको जो है गौशालाओं में, ऐसे गौशाला में रखा जाता है जहां दूध के लिए गायों को पालते हैं, जहां निगेटिव खली चूनी भूसा खिलाया जाता है, निगेटिव वाले कई प्रकार के पशु आहार खिलाए जाते हैं, उनके गोबर भी निगेटिव आते हैं, उनके कंडे से अग्निहोत्र नहीं कर सकते। फिर अग्निहोत्र जो है कि अग्निहोत्र की भी ऊर्जा की जांच करते हैं। अगर आपने घी निगेटिव रख लिया तो ये अग्निहोत्र भस्म निगेटिव आएगा, आपने पात्र सही नहीं लिया तो भस्म निगेटिव आएगा, ठीक है। तो पात्र कंडे और घी अगर सही होंगे और राइट टाइम में अग्निहोत्र किया हो तभी उसकी जो है कंडे में बहुत ज्यादा एनर्जी होगी, माला जो है क्लॉकवाइज सीधे घूमता है। फिर उसके बाद मिट्टी की ऊर्जा जांचते हैं, इस मिट्टी में भूमि तत्व कितना है, और ये कैसे जांचते हैं हम,
हम जो है ऐसे कोई भी किसान अगर इस तरह से मिट्टी में हाथ रख के और फोटो भी भेज दे ऊपर से तो भी हम जांच लेते हैं, क्योंकि फोटो भी ऊर्जा का एक बंच होता है, ऊर्जा ही होती है फोटो, क्योंकि जैसे भाव रहेंगे फोटो भी वैसी आता है ना। तो आप मिट्टी में ऐसे पंच हाथ रख के और ऊपर से फोटो खींच के भेजेंगे तो हम ऊर्जा फोटो से जांच लेंगे। तो भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये तीनों हम जो है ये पांचों जो है ऊर्जा हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो इस तरह से तीन हम जो है चेक करेंगे। उसके बाद फिर अगला हमारा है, फिर हम बीज की पंच महाभूत चेक करते हैं। अभी बीज में ही अग्नि तत्व कम है, क्योंकि मिट्टी में अग्नि तत्व यानी बेसिकली अग्नि तत्व जिंक, मैग्नीज, कॉपर और इन तत्वों से होता है। तो बीज मिट्टी में ही अग्नि तत्व नहीं है तो जो बीज उगेगा उसमें ही अग्नि तत्व नहीं है, और बीज में अग्नि तत्व नहीं है तो रस चूसा कीट आएगा, ठीक है। अभी कई अनुसंधान केंद्र हैं, वो मेरे से पूछते भैया कि आप ये लाल बीटल का तुरंत कोई उपाय बताओ। अरे भाई, जब अग्नि तत्व बहुत घटा है मिट्टी का और बीज का तो तुरंत में क्या हो सकता है, क्योंकि अपरा है धीरे धीरे। अगर कोई व्यक्ति है उसके हड्डियों में बहुत कमी हो गई, आयरन नहीं हड्डियों में, कैल्शियम ही नहीं हड्डियों में, जिंक मैंगनीज नहीं, तो एकदम से पूर्ति नहीं होगी। तो बीजों के अंदर पंच तत्व बीज, इसको मैंने नाम ही दिया है पंच तत्व बीज होगा तो उसमें कोई बीमारी नहीं आएगी। तो बीज में ही अग्नि घटा है, बीज में ही भूमि तत्व घटा है। और आजकल जो बीज आते रासायनिक बहुत फूले फूले बड़े होते, क्यों होते, क्योंकि फास्फोरस खूब देते हैं, ये तो डीएपी के माध्यम से या घूरे के गोबर, जो कच्चे गोबर के माध्यम से फास्फोरस ज्यादा दे दिए तो बीज फूला फूला दिखेगा पर उसका वजन कम होता है। तो बीजों में पंच महाभूत चेक करते, फिर पानी में पंच महाभूत चेक करते हैं। कई जगह के पानी निगेटिव आ गए हैं, सड़े नाले से पानी उठा रहे हैं या बहुत गहराई से पानी उठा रहे हैं तो पानी निगेटिव रहता है, तो पानी पॉजिटिव पहले करें। फिर मिट्टी का पीएच, ईसी और कार्बन हम माला से जांच कर लेते हैं। हमारी माला ने अगर पीएच कहा कि 7.2 है तो उतना ही होगा, है ना। कार्बन कहा कि 0.5% है या 0.6% माला ने कहा तो उतना ही निकलेगा। दुनिया के किसी लैब में जांच करें, माला की इतनी जो है सिद्धि मेरे कुछ हमसे जुड़े कुछ किसानों ने सीख ली है। फिर नक्षत्र पर हम बोनी करते हैं, ठीक है। फिर हर अमावस्या में ऊर्जा जल और अणु जल, यानी ऊर्जा जल और अणु जल हर अमावस्या में चाहो तो पौधों की जड़ों में दो या स्प्रे करो। मान लो सिंचाई नहीं हो रही है तो 20% का स्प्रे करो, और सिंचाई हो रही है तो 100% जो है जमीन में जाने दो। वैसे पूर्णिमा में अणु जल और जीवाणु जल, ये टीसीबीटी के दो तीन प्रमुख जो हैं फार्मूला है। ये जो है इसको हर पूर्णिमा में या तो स्प्रे कर दो 20% की दर से, या तो जो है 100% की दर से जो है जमीन पे दे दो अगर सिंचाई कर रहे हो तो। केवल इतना करें, इतने में ही पूरी खेती हो जाती है। तो ये टीसीबीटी की पंच महाभूत कृषि की चरणबद्ध प्रक्रिया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि 108 तत्व प्रकृति में आधार तत्व होते हैं। क्या होते हैं? 108 आधार तत्व होते हैं जिन्हें भूमि तत्व कहा गया। इसकी पूर्ति हर किसान को करना ही करना है, चाहे रूप से करे, चाहे रंग से करे, चाहे गंध से करे, चाहे स्वर से, चाहे स्पर्श से। ये भूमि तत्व क्योंकि माता तत्व है, यही नहीं रहेगा हमारे शरीर में। अगर आधुनिक विज्ञान जिसे मिनरल्स कहता है वो ही नहीं रहे, किसी भी माध्यम से दो, ठीक है, चाहे गौमूत्र पी के दे या गंध चिकित्सा करके ले, स्वर के माध्यम से, स्पर्श, लेकिन ये होना चाहिए। इसकी कमी से बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है, इसलिए इसकी भूमि तत्व की पूर्ति के लिए मैंने ये स्पेशल 10-11 फार्मूले बनाए हैं, ठीक है। रस चिकित्सा जो आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, चूंकि मैं जो है नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित आरोग्य धाम में भी 3 साल उधर रहा काम करते हुए कृषि पे, तो वहां ये सब मैंने अध्ययन किया, रस चिकित्सा, भस्म चिकित्सा, गंध चिकित्सा। जब खेती में उतरा तब ये मुझे आयुर्वेद का ज्ञान काम आया। तो रस चिकित्सा, ऊर्जा जल डाल के माइक्रो न्यूट्रिएंट दो, अणु जल डालो। अणु जल में क्या होता है भाई? भस्म रसायन है, और क्या है? भस्म रसायन, जैव रसायन और
और सडरस है, ये तीन चीजें इसमें मिक्स है। ये तीनों का मिक्स होकर अणुचल, यानी पूरे इसमें समझ जाइए कि पूरे 108 तत्व मिलने की संभावना है। कहीं कहीं जो भस्म रसायन ठीक नहीं बनाते तो 70-80-87 तक तत्व मैंने देखे, तो आप ठीक से बनाते तो पूरे 108 तत्व इससे मिल जाएंगे अणु जल से। फिर जीवाणु जल से सारे जीवाणु चले जाएंगे। अभी जीवाणु जल में 102 तरह के जीवाणु हैं। जीवाणु जल ये भी 50 पैसा पर लीटर में बन जाता है। नहीं बना सकते तो सजीव जल पंचगव्य बना के डालो, वो भी मैंने दिया है। जैव रसायन से भी जो है भूमि तत्व जाता है, मिट्टी द्रव्य रसायन से भी भूमि तत्व जाता है, छाछ द्रव्य रसायन से। इतने मैंने रस चिकित्सा के फार्मूले, 6 फार्मूले दी, 6 के 6 फार्मूले केमिकल विज्ञान के जो फार्मूले उनसे बेहतर है, यानी केमिकल साइंस से बेहतर केमिकल हम दे रहे हैं। बस ये प्राकृतिक तौर से निकाले गए केमिकल हैं, क्योंकि रसायन खराब नहीं होता, केमिकल रसायन खराब होता है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक तौर से निकले गए रसायन हैं, तो ये दे दो। फिर भस्म चिकित्सा में भी भस्म रसायन अग्निहोत्र भस्म है। गंध चिकित्सा भी फफूंद रोधी सुगंध या कीट रोधी सुगंध डालो, इससे भी न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है और फंगस और कीट भागते हैं। रंग चिकित्सा में नीले पीले हरे बॉटल, इसमें गौमूत्र भरकर धूप में रखो 7 दिन, 1 माह 3 माह 6 महीना 9 महीने भी रख सकते हो, बारिश में बस नहीं रखना, क्योंकि इस पर बिजली की रोशनी नहीं पड़ना चाहिए गौमूत्र पर। तो केवल ये 9 महीने रख के आप जो है स्प्रे कर सकते हो, ठीक। तो इससे भूमि तत्व की पूर्ति होगी, ये मैंने स्पेशल अलग से। कुछ लोग बोलते हैं इनमें बहुत ज्यादा खर्चा आता है। अरे भाई इतना खर्चा है, 50 पैसा, ये 2 रुपए पर लीटर में बन जाता है। बाजार में जाओगे तो 2000 रुपए का मिलेगा उतनी ही चीजें। ये तो बहुत फ्री जैसा, 2-3 पैसा पर लीटर में। जीवाणु जल 50 पैसे में, जैव रसायन आप बना लोगे 3-4 रुपए में पर लीटर में बन जाता है, बना लो अपने घर पे आप। मिट्टी द्रव्य रसायन बहुत सरल है, छाछ द्रव्य रसायन बहुत सरल है। ये तो इतने सरल सरल और सस्ते फार्मूले हैं। और किसान कहता है मुझे केवल एक दो चीज बता के करने द्वारे, भाई समग्रता से सोचना पड़ेगा। जब आदमी बहुत बीमार हो, उसके सिर में भी बीमारी है, पेट में भी बीमारी है, हार्ट में भी बीमारी है, चर्म रोग भी है, दुनिया भर की बीमारी है, तो भी डॉक्टर पूरी समग्रता से सोचता है और फिर धीरे धीरे ठीक करता है। खेती आजकल भयंकर बीमार हो गई है, आपको समग्रता से काम करना पड़ेगा। आप एक दो चीज का स्प्रे करके कोई रिजल्ट ले लो नहीं, केमिकल खेती में कई तरह के रिजल्ट करके आप ले चुके हैं, अंतिम तक निचोड़ चुके हैं, अब समग्रता से काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। TCBT कृषि विज्ञान में भूमि महाभूत संतुलन की व्यवस्था। ये जो भूमि महाभूत है, जिसको भूमि तत्व ठीक है कहते हैं, जो 5 एलिमेंट में पहला है भूमि तत्व, ठीक है, इसके लक्षण क्या है? पत्तियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, पत्तियों का आधा भाग सूखना, तने के गठाने पास पास होना, गन्ने में बन जाती ना, फलों का आधा गलना, फलों में तनों के अंदर इल्लियों का आना, जो फल भेदक हो गए ना आजकल, फल भेदक और कीट भेद, जो गन्ने के अंदर चोटी भेदक और कई ऐसे आ गए ना, ये सब जो है भूमि तत्व की कमी के लक्षण है। पत्तों फूलों में रस चूसक कीटों का ज्यादा, आजकल नीली बग खूब आ रहा है, सब भूमि तत्व की कमी है। उसके अंदर जिंक मैंगनीज कॉपर ये नहीं है, इसलिए सब है। स्थाई उपाय है लाल पीली सफेद मिट्टी डालना। अब ये मिट्टी भी अपने आसपास कहीं से ले लो, पूरे देश भर में बहुत सी ऐसी खेत ऐसे भाग है जहां मिट्टी लाल है, जहां की मिट्टी, राजस्थान में जाओ मिट्टी सफेद मिलेगी, और झारखंड के कुछ इलाके में जाओ मिट्टी लाल मिलेगी, ठीक है, पीली मिट्टी भी मिलती है। मेरा जिला ऐसा है जहां तीनों मिट्टी मुझे मिल गए, इसलिए मैंने इस पे प्रयोग करके सफलता पाई, इसलिए रिकमेंड करता हूं। आप कहीं से भी ले लो, स्थाई उपाय करना है। गोवर्धन खनिज खाद भी बना के आप डाल सकते हो स्थाई उपाय में भी, ये बहुत अच्छा खाद है ये भी। ये TCBT टेक्निक से बहुत से गौशाला में, चंडीगढ़ बन रहा है, इधर जबलपुर बन रहा है, अभी 4-5 जगह दक्षिण भारत में बनेगा, हरियाणा में 1-2 जगह बनने के लोग मेरे पास आए, तो विधिवत सीख के ये बनाए गौशाला। फिर भस्म रसायन से कर लो, है ना, सुपर सॉइल एक सोल में मैंने बनवा दिया कि तुरंत फुरत में कैसे लैब से भी बना सकते हैं। अणु जल फसल गुट्टी एक बहुत अच्छा फार्मूला, उससे कर लो, ठीक है। तात्कालिक उपाय में ऊर्जा जल और खनिज रसायन, ये इसका स्प्रे कर दो, खनिज जो है ना, लिक्विड खनिज रसायन जो सोल में उपलब्ध होता है, और ये जो है इमरजेंसी के लिए बनाया है, नहीं तो ये पहले ही बना के रख लो तो फिर जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनको बनने में समय लगता है, तो इसके लिए ये मैंने रिकमेंड किया नैनो नत्रजन और OKP की। तात्कालिक में अगर केवल इसकी कमी दिख रही तो कर लो,
गंध चिकित्सा भी तात्कालिक तौर पर करके माइक्रोन्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सकते हो। मेरे कुछ किसानों का फोन आया, जब से हम गंध चिकित्सा कर रहे हैं लौकी गिलकी ककड़ी में जो फूल झड़ जाते थे छोटी छोटी कली, वो झड़ने बंद हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हम खेती करके और तात्कालिक तौर पर इसकी पूर्ति कर सकते हैं। फिर जो है गगन तत्व की पूर्ति, अभी गगन तत्व जो है, जो रिक्तता है, शून्य तत्व है, इसकी कमी से क्या होगा, जहां गगन तत्व मिट्टी में होता नहीं वहां जो है वहां पर अच्छे बीज नहीं बनते, बीज उत्पादन नहीं हो सकता वहां कतई। दूसरा, बीजों को अंकुरण आने में और ग्रोथ में दिक्कत होती, क्योंकि गगन तत्व नहीं मतलब कॉम्पैक्ट हो गई मिट्टी, वहां ग्रोथ पर्याप्त नहीं आएगी, फसल का वजन कम रहेगा, फूल झड़ते, पौधे की ऊंचाई नहीं आती, पत्ते छोटे रहते। स्थायी उपाय है सूर्य तप्त गौमूत्र 10 लीटर सिंचाई जल में डाल दो, मृदा स्वरीकरण करें, फूल आने के पहले पौधों को तान दे, मतलब उनको तान देना यानी पानी रोक देना, तो उससे गगन तत्व मिट्टी की बढ़ती, फिर अच्छा फूल आता है। तात्कालिक उपाय है सूर्य तप्त जो है बॉटल है, जो रंग चिकित्सा में कहता हूँ, उसका स्प्रे करना, धतूरे के हरे फलों का जैव रसायन 0.1% का स्प्रे करना। ठीक है, और क्या है जो है गगन तत्व की जो है गौमूत्र का भी स्प्रे कर सकते हैं हम जो है अधिकतम 3% की दर से, कितना 3% की दर से गौमूत्र का स्प्रे करें, इससे भी गगन तत्व बढ़ता है और फसलों में बीज अच्छा बनता है। ठीक है, अब क्या है वायु तत्व, वायु का जो है प्रवाह है, और ये प्राण ऊर्जा इसको कहा गया ना, प्राण ऊर्जा, भूमि जो है माता है, गगन पिता का, तो वायु तत्व प्राण ऊर्जा का है, इसकी कमी से क्या होगा, इसकी अगर कमी हो गई तो पौधे का विकास रुक जाता है, चमड़ी सूक्ष्म हो जाती है, मतलब ऊपर ऊपर का निकलने लगेगा पौधों की। ठीक है, या सूखी सूखी पत्तों में नसें उभर आती है, फलों का स्वाद, फल बेस्वाद रहता है, उसमें स्वाद ही नहीं आता, वायु तत्व की कमी है, तो उसके लिए क्या करना, हरी खाद अनिवार्य है, या जीवाणु कंपोस्ट खाद डालो, मिट्टी में दरार पड़ने दो, उनमें फिर दरारों में भूसा भर के और जुताई करो ताकि उसकी हवा ना निकले, फिर 200 लीटर जीवाणु जल, हर सिंचाई में जीवाणु जल और जैव रसायन भी दो, 10-20 लीटर जैव रसायन, तो वायु तत्व तो बढ़ता है। ठीक है, तात्कालिक उपाय ऊर्जा जल अग्निहोत्र भस्म की मात्रा, अग्निहोत्र भस्म में 52% ऑक्सीजन है ना, 52% ऑक्सीजन की मात्रा अग्निहोत्र भस्म, ये इसको थोड़े 1-2 किलो घोल बना के चलाओ, या जीवाणु जल और जैव रसायन दोनों दे दो सिंचाई के साथ, 20 लीटर जैव रसायन या 200 लीटर जीवाणु जल दोनों मिला के दे दो, तो वायु तत्व आपकी बढ़ जाती है। अगला जो है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व स्फूर्ति इसको कहा गया, अग्नि तत्व स्फूर्ति देता है, स्फूर्ति देता है। अब अग्नि तत्व की कमी होगी तो पत्ते हल्के पीलापन पड़ेंगे, कैसे पड़ेंगे, नाइट्रोजन की कमी से नीचे से पीला पड़ते हैं और अग्नि तत्व की कमी से ऊपर से पीला पड़ता है, पत्तों का कड़क ना रहना। ठीक है, सूर्य प्रकाश का अवशोषण प्रकाश संश्लेषण ठीक नहीं होता, फूल और पत्तों में चमक नहीं रहती अग्नि तत्व कम होने से। इसका स्थायी उपाय क्या है, भस्म रसायन डालो, लाल मिट्टी भी डाल सकते हैं। ठीक है, फिर लाल पीली मिट्टी ये भी डाल सकते हैं जमीन में। फिर तात्कालिक उपाय है लाल पीली कांच की बोतल में गौमूत्र भरो, धूप में रखो 1-2 महीना, फिर इसको हर सिंचाई के साथ जमीन में दे दो, या 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करो। ठीक है, ये भी हो गया। अगला क्या है, अगला है जल तत्व, जल तत्व की जो है जल तत्व, जल ही जीवन है, ये जीवन ऊर्जा देता है, जल ही जीवन कहा गया है ना, जल तत्व। अब जल तत्व जो है ये सबकी प्यास बुझाती, जीवन ऊर्जा देती, ऊर्जा को एक जगह से दूसरे, ऊर्जा को बांधने का काम करती है। मैं आपको बता रहा हूं, जब से मैंने ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, सजीव जल ऐसे बनाया, मीठा जल, भूमि जल, जब से ये तत्वों को जल के साथ देना शुरू किया तब से मुझे रिजल्ट आए। पहले सेपरेट देता था तो रिजल्ट नहीं आए, जैसे मैंने भस्म रसायन सेपरेट दिया उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अणु जल बना के दिया क्विक रिजल्ट, 10 ग्राम में रिजल्ट आ गया। भस्म रसायन 2-2 किलो डाले जमीन में तो वो रिजल्ट मुझे नहीं दिखा।
ऐसी ऊर्जा जल में अग्निहोत्र भस्म दो दो किलो डाले एक एकड़ में, तब मुझे रिजल्ट ही दिखा। लेकिन मात्र 100 ग्राम हमने अग्निहोत्र भस्म और 100 ग्राम फिटकरी को पानी में डाला, स्प्रे किया, जमीन में दिया, क्विक रिजल्ट आया। क्यों? कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने काम और ऊर्जा को प्रत्याहार कराने का काम जल करता है। इसलिए जब से मैंने ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, भूमि जल, मीठा जल, सजीव जल, ये सब बना के डाला, तब मुझे रिजल्ट आया है। ठीक है, इसलिए मैं रिजल्ट पिछले 2 साल से अब 100% रिजल्ट आने लगे। जिस किसान ने समझा आना ही है उसका रिजल्ट। ठीक है, तो अब इसकी क्या करेंगे स्थायी उपाय। हर अमावस्या पूर्णिमा भूमि जल यानी अग्निहोत्र भस्म फिटकरी और गौमूत्र 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 100 ग्राम फिटकरी और जो है 8-10 लीटर गौमूत्र का घोल हर जो है अमावस्या पूर्णिमा जमीन पे डालो। और हर एकादशी क्या करना है, दूध और जैव रसायन दोनों अलग अलग डालो। पहले जो है 1.5 लीटर दूध, फिर 2-4 लीटर जैव रसायन पानी में घोल के डालो। कहाँ डालना है? वो ट्यूबवेल में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो जो है अंदर से ही पानी बढ़िया मीठा और बढ़िया पानी निकलेगा। दूसरा है जमीन में सफेद मिट्टी यानी जिप्सम डालो। जिप्सम के साथ लाल मिट्टी भी डालना चाहिए, क्योंकि लाल मिट्टी में होता है मैग्नीशियम और जिप्सम में होता है कैल्शियम। कैल्शियम मैग्नीशियम ही मिट्टी में पकड़, पानी की पकड़ बनाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैल्शियम और मैग्नीशियम ही ठीक करते हैं। तो सफेद मिट्टी और लाल मिट्टी डालो। तिल की हरी खाद करो। मैंने देखी अभी जो है ढेंचा और सन महंगे महंगे खरीद के खुद बोया, किसानों को बुआया, तो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। फिर चिंतन किया कि किसके जो है उसमें हरी खाद बढ़िया होगा, तो तिल का हमें मिला और तिल का भी वृक्ष आयुर्वेद से हमको मिला। तो तिल जो है 1 से 1.5 किलो तिल बो और जो है जमीन में वो जब फूल आने के पहले जमीन में गड़ा दो, 1-2 बार करो, मिट्टी में जो है पानी पकड़ने की क्षमता और कार्बन बढ़ जाएगा। फिर मिट्टी में क्या है कि मही राजा डालो, इसको खेती का हनुमान कहता हूं, जो 15-20 फुट और अब तो वैज्ञानिक कह रहे 30 फुट नीचे से पानी लाके और पौधों की जड़ों में देता है। ये स्थायी उपाय है। तात्कालिक उपाय क्या है कि जल तत्व की पूर्ति करने के लिए आप चाहे घर में रहो, चाहे ससुराल में रहो, चाहे दिल्ली मुंबई में रहो, माथा जमीन से लगाओ, अपने खेत का इमेज बनाओ और अपने फसलों का इमेज यहां बनाओ और माता गंगा से प्रार्थना करो, हे गंगा माँ यह जल अपने उस जो है ट्यूबवेल का ध्यान करो जहां से पानी निकलता है, या उस कुएं का ध्यान करो, यह जल मेरे फसलों के पोषण के लिए, अपने फसलों का ध्यान करो उस खेत में खड़े हैं जो, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद करें, ये प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना करके हमारे बहुत से किसानों ने जहां पर 6 पानी लगता है वहां 2 या 3 पानी में बढ़िया फसल ले ली। तो तात्कालिक उपाय भी इसका बड़ा सरल है, स्थायी उपाय भी बड़ा सरल है जल तत्व का की पूर्ति का। ठीक है, तो इस तरह से अभी ये हमारे कुछ किसान हैं, सीमा सिंह धुर्वे जी हैं, इनको डॉक्टर ने कहा था आप जीवन भर बेड रेस्ट करोगे, उठ नहीं सकते, इनकी रीढ़ की हड्डी जुड़ गई थी। उसी जो है बीमारी की अवस्था में इसने मेरा यूट्यूब देखी, अपने छत पर अपने पति से कह के सब्जियां लगवाई, पंच महाभूत युक्त अग्निहोत्र किए वो पंच, और जो ऊर्जा जल, अणु जल, जीवाणु जल, सजीव जल बना के डाले और उससे उगा अन्न फल खाए, केवल अन्न फल खाने से स्वस्थ हो गई। ये सीनियर नर्स थी ग्वालियर में, वहां से उन्होंने रिजाइन देके और पूरे समय अपने मन से अपने पैसा खर्च करके और जो है TCBT विद्या पंच महाभूत की खेती करना सिखा रही, खुद 56 भोग वाटिका पहले छत पे लगाई थी, अब बैतूल में बिल्कुल बंजर जमीन पे और जो है 56 भोग वाटिका लगा ली, जहां कोई खेती नहीं करता था सड़क के किनारे ही बना ली। ये लेखराम यादव जी हैं, 350 एकड़ में खेती करते हैं। अभी सोचो 40-50 एकड़ में खेती करने वाला किसान को फुर्सत नहीं मिलता रासायनिक खेती जो करता है, आज ये डालो कल वो डालो कल कुछ करो। लेखराम जी एक बार खेत स्टेब्लिश कर दिया आप ध्यान ही नहीं देते, केवल फल तोड़ने जाते हैं। इनने 22 एकड़ की इनकी नींबू में इस वर्ष 98 लाख का नगदी बेचा है, जो इनके खाते में आए वो पैसा 98 लाख, जो इधर उधर बेच दिए जो पैसे कैश में आए वो तो रहने दो, 22 एकड़ में इस साल 98 लाख का नींबू बेचा, जबकि पूरे गुजरात महाराष्ट्र में इस साल नींबू फला ही नहीं था, इतना नींबू इनके खेत में फला था। वाटर सूट में, ये वाटर सूट ही है, ये वाटर सूट है इसमें फल लगे थे। 350 एकड़ में खेती करते हैं, जो मैं बोलता हूं ना बोना और घर जाके सोना,
ये कर रहे हैं लेखराम जी, इसलिए इतनी बड़ी स्थिति में खेती कर पा रहे हैं बिना कोई टेंशन नहीं। बीमारी भी आते तो बहुत ध्यान नहीं देते, केवल ऊर्जा जल अणु जल जीवाणु जल चलाते। और एक्चुअल में जो कहते हैं ना कि भाई कम बजट में खेती, ये करके दिखा रहे हैं। जाके देखे किसान, इनका नंबर भी मैंने इसमें जो है इनका नंबर भी है, ये नंबर भी है, ठीक है, जाके देख सकते हो। और अभी किसानों को पर्याप्त ये इतनी खेती करने के बाद भी पूरा समय देते हैं। फिर ये हमारे विजय जी हैं, ये भी जो है बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा था पंच महाभूत जांच करने वाले किसान, ये भी पंच महाभूत जांच, इनको भी फोटो आप हाथ रख के भेजेंगे, ये भी बता देंगे, ये भी बता देंगे। विजय पटेल जी भी बता, ये भी बहुत अच्छी गुजरात में खेती कर रहे हैं साबरकांठा में। ये हमारे श्रीकृष्ण शर्मा जी हैं, ये खेती नहीं करते थे, ये मूलतः जो है हलवाई थे, बहुत अच्छी है जो है ना मीठा बनाते हैं। फिर ये सामाजिक संस्था में थे, लोगों को जाके जैविक खेती करो बताते थे, लोगों ने इनको टांट मारे, खुद खेती करके बताओ तब हमें ज्ञान बांटना। तो इनके आ गया मन में, इन्होंने जो है पैतृक खेती हिस्से में थी वो भाई से ली और खुद खेती शुरू की। आज जो है कपास और सरसों के भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले किसानों में बन गए। इनके यहाँ इस वर्ष सरसों का उत्पादन जो है 15 से 20 क्विंटल पर एकड़ आएगा, ठीक है, जबरदस्त प्रोडक्शन। और अभी ये पंच महाभूत माला जांचना ये सीख गए, ठीक है। हाँ, ये माला का विज्ञान सीखने वाले किसान बता रहा हूं, जो माला भी सीख गए हैं पंच महाभूत चेक करना। ये हमारे किसान है पंकज मंडा जी, ये पंजाब में खेती करते हैं, ठीक है। और वहां किन्नू के बाग जो सूख रहे थे, जो रासायनिक खेती से जिन बागों में जो बाग खत्म हो गए थे, उन बागों में फिर से नई जान इन्होंने फूंक दी है पंच महाभूत जो है विज्ञान सीख के। ये संजय जी हैं, ये भी जो है अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में। कमल पाटीदार जी हैं, ये मध्य प्रदेश देवास के हैं, प्रार्थना से इन्होंने खेती बहुत अच्छी की आलू और सोयाबीन की, इनको भी पंच महाभूत नापने का ज्ञान है। दुष्यंत सिंह जी बहराइच उत्तर प्रदेश, इनका नंबर है, ये भी अच्छे वैद्य भी है और पंच महाभूत जांच करना ये भी जानते हैं, ठीक है। फिर कुछ जो है सफल किसान हमारे अमरजीत सिंह जी हैं, इनकी गोभी देखिए। फिर जो है ये पिछले बार 1500 फली आई थी इनकी चने में, ये फली ले जाके उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को दिया था, एक पौधे में 1500 फली, 20 ग्राम लगाए थे एक एकड़ में सरसों, मात्र 20 ग्राम, और 20 ग्राम लगा के 12 क्विंटल 70 किलो सरसों निकाले थे प्रति एकड़, ऐसे तीन तीन रिकॉर्ड है इनके। राम सिंह जी ये जो है बासमती की खेती किए थे और 35 क्विंटल प्रति एकड़ बासमती निकाले, जबकि रासायनिक खेती में 17-18 क्विंटल से ज्यादा नहीं होता, 35 क्विंटल निकाले। ये नीतीश जी कोटपुतली में खेती करते हैं, महेश कुबड़े जी वर्धा में, इनकी चने की खेती देख रहे हो ना हरी कच्च और इंटरक्रॉप में 18.5 क्विंटल प्रति एकड़ इन्होंने चना निकाला था, एकड़ की बात करो 18.5 क्विंटल रिकॉर्ड प्रोडक्शन। ये हमारे अमित पाटीदार जी, गेहूं की ऊंचाई देखिए 6 फुट, गेहूं धान बहुत अच्छी करते हैं। ये अजीत जी है बुरहानपुर में, ये केले की खेती अमरूद वगैरह बहुत सारी खेती, कपास की खेती बहुत शानदार कर रहे हैं, ठीक है, बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। ये संजय महाजन जी सब्जी खेती, विजय चौधरी जी हैं ये केले की और जो है कपास की अच्छी खेती कर रहे हैं। पिछले बार अरहर में उन्होंने इंटरक्रॉप में लगाया था कद्दू, 8 से 10 टन कद्दू निकला, 8 टन तो निकला जिसको बेचे, और 2 टन ऐसे हैं जो खेत में खराब हो गए, चूहे खा गए, सड़ गए, इस तरह के हो गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हुई तो कद्दू तोड़ नहीं पाए थे, तो 10 टन तक कद्दू निकाले पर एकड़। यही TCBT बिना बाजार के केमिकल डाले, TCBT पंच महाभूत कृषि पर। तो ऐसे सफल किसान हमारे बीच में हैं, आप खेती करिए और पंच महाभूतों की सेवा करिए। आप पंच महाभूतों की सेवा, उनको शुद्ध सजीव कीजिए, ये पंच महाभूत यानी भगवान आपको धन धान्य यश से भर देंगे, ठीक है। ज्यादा जानकारी हो तो आप जो है हमारा ये सोल एजुकेशन ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए, इसमें मेरा सारा एजुकेशन आएगा क्रमबद्ध, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब में क्या है, कुछ इधर है कुछ उधर है, कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता है, और फिर आप केवल प्रश्न बस पूछ सकते हो, हर चीज को उत्तर दो, तो उतना मैं कर नहीं सकता, इतने सारे देश भर के लाखों लोगों को कैसे एजुकेट करेंगे। तो एक जो IIT के कुछ विशेषज्ञ जुड़ गए जो निस्वार्थ भाव से काम करके ये जो ऐप बना रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐप में जो है वो पैसा वैसा 10-20-50 रुपए 200 रुपए लेते हैं, आपको कुछ चार्जेस लेते होंगे, वो दे देना। और एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर
सारी शिक्षाओं को क्रमबद्ध लो, ठीक है, क्योंकि शिक्षित होना पहले जरूरी है, क्योंकि शिक्षित हुए बगैर खेती करोगे सब गड़बड़। एक बार एजुकेशन लो अच्छे से, फिर खेती करो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। फिर फार्मर ऐप भी है, ये भी डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड करके उसमें लिखो ऊर्जा जल डाला, अणु जल डाला, जीवाणु जल डाला, तो ऑटोमेटिक ऐप जो है ना टीम को बता देती कौन किसान कर रहा है और क्या क्या कर रहा है। तो ऑटोमेटिक जो है टीम के लोग संपर्क करेंगे, टीसीबीटी सर्टिफिकेशन दे देंगे। कोई अगर नहीं करोगे तो ऐप बताएगा कि आपको इस वक्त ये करना चाहिए खेती में। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था फार्मर ऐप की भी इन्होंने बनाया है। ये दोनों ऐप आप सब लोग डाउनलोड करें और पंच महाभूत आधारित ताराचंद बेलजी तकनीक की खेती करें, खूब अच्छी खेती करें, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, कोई भी प्रश्न हो आप मुझे ऐप में ही बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।